हेलो नमस्कार सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग महाराष्ट्र शासन आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठान नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित आजच्या या विशेष कार्यक्रमात इथे उपस्थित असलेल्या सगळ्यांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतो. आपल्या सगळ्यांना नम्र विनंती आहे, कृपया आपण आपले मोबाईल फोन्स सायलेंट मोडवर ठेवावेत. थोड्याच वेळात आजच्या कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करतोय. हमारे सम्मानित अतिथि, माननीय केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, श्रीमान थावरचंद गहलोत जी हमारे बीच आ चुके हैं. आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत. हमारे बीच में श्रीमान राजकुमार बडोले जी, कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत. सभी सम्माननीय खासदार से हमारा आग्रह है कि आप भी कृपया मंच पर आएं और स्थान ग्रहण करें. सगळ्या सन्माननीय अतिथींचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतो. आदरणीय सुलेखाताई कुंभारे यांनाही सन्मानपूर्वक मंचावर आमंत्रित करतो, त्यांनी मंचावर स्थान ग्रहण करावं अशी विनंती करतो. सगळे सन्माननीय खासदार यांनाही नम्र विनंती आहे, कृपया त्यांनी मंचावर स्थान ग्रहण करावं. मंचावर उपस्थित आहेत माननीय आमदार डॉक्टर थावरचंद गहलोतजी, माननीय आमदार राजकुमार बडोलेजी, माननीय सुलेखाताई कुंभारेजी, महासंचालक इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन श्री के जी सुरेश यांनी सुद्धा मंचावर यावं अशी नम्र विनंती आहे. कपूर साहेबांना सुद्धा आम्ही मंचावर आमंत्रित करतोय, त्यांनीही मंचावर स्थान ग्रहण करावं अशी विनंती. आदरणीय कपूर साहेब, आजच्या कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करणार आहोत. शोषितांच्या व्यथा आणि आवाज सरकारपर्यंत आणि सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचावा या उद्देशानं 31 जानेवारी 1920 साली भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुरुवात केलेल्या मूक नायक या पाक्षिकाला यंदा 100 वर्ष पूर्ण होत आहेत. याच प्रेरणेतून एका शतकानंतरही समाजातील शोषितांचा आवाज आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम करणाऱ्या पत्रकारांचा विशेष सन्मान म्हणजे आजचा कार्यक्रम मूक नायक सामाजिक पत्रकारिता पुरस्कार. इथे उपस्थित असलेल्या सगळ्या मान्यवरांचं आणि ज्यांना हा पुरस्कार मिळणार आहे त्या सगळ्यांचं आपण जोरदार टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करूया आणि एका विशेष गीताने आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. श्री राजेश लाख यांना मी या ठिकाणी आमंत्रित करते, विनंती करते त्यांनी गीत सादर करावं. संविधान को रखना मेरे बच्चों संभाल के
मैं लाया हूँ ये कार्य सर्वस्व त्याग के, संविधान को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे इस संविधान के, इस ग्रंथ को संजोन अपनी आन बान से, मैं लाया हूँ ये कार्य सर्वस्व त्याग के, संविधान को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कोई मनुवाद इसे बदल न पाए, देखो कोई मनुवाद इसे बदल न पाए, इसको हृदय के खून से बाबा ने सींचा, रखा है जतन से इसे दुश्मन की चाल से, संविधान को रखना मेरे बच्चों संभाल के, मैं लाया हूँ ये कार्य सर्वस्व त्याग के, संविधान को रखना मेरे बच्चों संभाल के। धोखेबाजों की मिट्टी बातों में कभी न तुम आना, धोखेबाजों की मिट्टी बातों में कभी न तुम आना, ये देश तुम्हारा है तुम्ही को है चलाना, समता के दिए को कोई झोंका न बुझाए, संविधान को रखना मेरे बच्चों संभाल के, मैं लाया हूँ ये कार्य सर्वस्व त्याग के, संविधान को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बहुजन की सत्ता को अब तुम्ही को है लाना, संघर्ष शिक्षा संगठन को अमल में लाना, बहुजन की सत्ता को अब तुम्ही को है लाना, संघर्ष शिक्षा संगठन को अमल में लाना, शोषण व अत्याचार को जड़ से उखाड़ के, संविधान को रखना मेरे बच्चों संभाल के, मैं लाया हूँ ये कार्य सर्वस्व त्याग के, संविधान को रखना मेरे बच्चों संभाल के। प्रति अपनी निष्ठा को न तुम भूलो, दुश्मन के अत्याचार को तुम अब नहीं झेलो, समानता के प्रति अपनी निष्ठा को न तुम भूलो, दुश्मन के अत्याचार को तुम अब नहीं झेलो, अब वक्त आ गया मेरे दिन और तली तो, उठो तुम अपने आत्म सम्मान को पालो, तो पालो तुम ले लो अपना हक समता और शील से, संविधान को रखना मेरे बच्चों संभाल के, मैं लाया हूँ ये कार्य सर्वस्व त्याग के, संविधान को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे इस संविधान के, इस ग्रंथ को संजोन अपनी आन बान से, मैं लाया हूँ ये कार्य सर्वस्व त्याग के, संविधान को रखना मेरे बच्चे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। श्रीयुत राजेश लाख यांनी स्वतः लिहून ते हे गीत आपल्यापुढे सादर केलं, त्याबद्दल त्यांचं विशेष अभिनंदन। आज मूक नायक या पुरस्कार वितरण सोहळ्यासाठी आपण सगळे एकत्र जमलो आहोत। आदरणीय भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अर्थात महामानव, माणुसकीचा धर्म जोपासणारे महामानव, हजारो वर्षांची संस्कृती असलेला आपला भारत देश, अनेक परकीय आक्रमण आपल्या देशावर झालीत पण रोमा मिश्र युनान मिट गए सारे जहां से, कुछ खास बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, असं म्हणणारी आपली संस्कृती आपला देश आज ताठ मानेनं उभा आहे, कारण या देशाला प्रत्येक वेळी महापुरुषांनी आपल्या योग्य अशा विचारांनी एक विशेष दिशा दिली आहे।
अशाच महापुरुषांना अभिवादन करण्याची विनंती मी मंचावर उपस्थित असलेल्या मान्यवरांना करते. विनंती करते की पुष्प अर्पण करून त्यांनी महामानवांच्या प्रतिमेला पुष्पार्पण करावं आणि आशीर्वाद घ्यावे. आगे से ले लेते हैं. महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे आपल्यासाठी आदरणीय नाव आहे. परदुःख शीतल असतं असं म्हणतात हा तुमचा आमचा सामान्यांचा अनुभव आहे. पण वागणं आणि दुसऱ्याचं दुःख समजून घेत त्यावर फुंकर मारत ते दुःख दूर करण्यासाठी धडपडणारा आणि आपलं जीवन केवळ समाजाच्या कल्याणासाठीच व्यतीत करणारा जीवींचा कळवळा असणारा या शब्दाचा खरा अर्थ समजून जगणारा हा महामानव यांना विनम्र अभिवादन. छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले या सगळ्यांनी आपल्या देशाला प्रत्येक वेळी विशिष्ट अशी दिशा दाखवली आणि तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या शोषितांचे अश्रू पुसण्यासाठी मदत केली. त्यांना विनम्र अभिवादन करून हा कार्यक्रम आपण पुढे नेतोय. सचमुच ये पुष्पांजली इस बात का प्रतीक है कि हम अपने पूर्वजों को उनके प्रतीकों को कितने सम्मान से देखते हैं जिनसे हमें जीवन को और बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलती है. आज बहुत ही गर्व का विषय है हमारे लिए, बहुत ही सुखद क्षण है ये कि हम मूक नायक सामाजिक पत्रकारिता पुरस्कार के इस कार्यक्रम के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मूक नायक ये नाम है एक ऐसे समाचार पत्र का जिसे अब से तकरीबन 99 वर्ष पूर्व 1920 की वो 31 जनवरी थी जब संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर ने प्रकाशित किया था. इस देश में वंचितों शोषितों के मसीहा हम सभी के प्रेरक संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का उद्देश्य इस पत्र के पीछे ये था कि इस पत्र के माध्यम से वो दलितों वंचितों शोषितों के वर्ग को जो कि सदियों से मूक है उसे आवाज दे सकें, उनकी बात अंग्रेज सरकार और दूसरे सामाजिक पक्षों तक पहुंचा सकें. आज भी बाबा साहब के इस विचार की जो मशाल है उसे जलाए जा रहे हैं अनेक पत्रकार. पत्रकारिता के ऐसे ही विशेष व्यक्तित्वों और उनके कृतित्व को पहचान देने की कोशिश है मूक नायक सामाजिक पत्रकारिता पुरस्कार, जिसकी कल्पना को साकार किया है सामाजिक न्याय एवं विशेष सहाय मंत्रालय महाराष्ट्र शासन और बाबा साहब अंबेडकर समता प्रतिष्ठान नागपुर. बाबा साहब की जो कल्पना थी मूक नायक के पीछे जो विचार था उस विचार को भी अब तकरीबन 100 वर्ष अगले वर्ष जब हम 2020 में प्रवेश करेंगे तब 100 वर्ष पूरे होंगे और उससे पहले ही उनके मूक नायक के तौर पर ये सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया है. और ये देखिए कि कितना सुखद संयोग है कि आज उसी मूक नायक को इस समाज में साकार करने वाले बाबा साहब के नाम से जुड़े इस प्रांगण में हम बैठे हैं डॉक्टर बाबा साहब इंटरनेशनल सेंटर में. आप सभी का इस सभागार में मौजूद सभी सम्मानित अतिथियों का, सभी व्यक्तित्वों का, सभी सम्मानित अतिथियों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत सत्कार करते हैं. और औपचारिक स्वागत की बारी उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है तो सबसे पहले मैं हमारे बीच में पहुंचे डॉक्टर थावरचंद गहलोत जी, हमारे केंद्रीय माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं. और उनके औपचारिक स्वागत के लिए मैं श्रीमान राजकुमार बडोले जी कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, उनसे आग्रह करता हूँ कि वो पुष्पगुच्छ यानी बुके देकर मंत्री जी का स्वागत करें. डॉक्टर थावरचंद गहलोत जी का स्वागत. श्रीमान राजकुमार बडोले जी
का स्वागत करने के लिए मैं दिनेश वाघमारे जी, जो कि प्रधान सचिव हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार, आपसे आग्रह करता हूं आप भी जोरदार तालियों के साथ हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें। हमारे बीच में सुलेखा ताई कुंभारे जी हैं, आप सदस्य हैं केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग। आपके स्वागत के लिए मैं श्री राजेश ठाबरे जी, व्यवस्थापक एवं संचालक लिटकॉम, आपका आपसे आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आएं और सुलेखा ताई का स्वागत करें। आप भी तालियों को जारी रखें। भारतीय पत्रकारिता के एक प्रमुख स्तंभ हमारे बीच में के जी सुरेश जी हैं, महानिदेशक भारतीय जनसंचार संस्थान। हम आपका अभिनंदन करते हैं और आपके औपचारिक स्वागत के लिए मैं पुनः दिनेश वाघमारे जी से आग्रह करता हूं। बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत हम सभी के प्रिय के जी सुरेश जी। हमारे बीच में माननीय सांसद राज्यसभा विकास डॉक्टर विकास महात्मे जी हैं, आपके अभिनंदन स्वागत के लिए भी मैं दिनेश वाघमारे जी से गुजारिश करता हूं। और आप सुन सकते हैं कि माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय रामदास आठवले जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं मंच की ओर अग्रसर होते हुए। बहुत जोरदार तालियों के साथ माननीय रामदास आठवले जी का स्वागत केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। और आठवले जी का स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करता हूं श्रीमान राजकुमार बड़ोले जी से। बीच में माननीय सांसद लोकसभा हरीश चंद्र चौहान जी भी हैं, आपके स्वागत के लिए मैं पुनः दिनेश वाघमारे जी से आग्रह करता हूं। आप भी जोरदार तालियों के साथ हमारे सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें। हमारे बीच में भाई गिरकर जी, आप एमएलसी हैं, आपके स्वागत के लिए भी मैं दिनेश वाघमारे जी से निवेदन करता हूं। भाई गिरकर जी का स्वागत। दिनेश वाघमारे जी प्रधान सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। हमारे बीच में श्याम कपूर जी हैं, श्री श्याम कपूर जी, आप एमडी हैं एनएसएफडीसी, आपके स्वागत के लिए भी मैं आग्रह करता हूं दिनेश वाघमारे जी से। बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा मिलती है कि जिंदगी तो बस वही जो छाप अपनी छोड़ दे, वरना तो रोज ही यहाँ होता है आवागमन। और बाबा साहब के नाम पर जो प्रांगण है इसमें आज हम सब मौजूद हैं। और आगे के कार्यक्रम के लिए, जिसमें हम
बढ़ेंगे मूक नायक सामाजिक पत्रकारिता पुरस्कार के वितरण की ओर। उसके लिए मैं रेणुका जी से आग्रह करता हूँ। एक छोटासा किस्सा आपल्याला सांगते आणि आजच्या कार्यक्रमाकडे येते। कारण आदरणीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला नेमकं काय शिकवलं तर स्वतःमधला प्रकाश बघायला शिकवलं। तू अत्तदीप भव असं म्हणत स्वतःतला प्रकाश शोधा असं सांगितलं। दोन माणसांची गोष्ट आहे, दोन मित्र आहेत एकमेकांचे। त्यातला एक मित्र अंधळा आहे आणि एक डोळस आहे। अंधळा मित्र आणि डोळस मित्र एक दिवस एकमेकांना भेटायला आले। एकमेकांशी दिवसभर गप्पा मारल्या। रात्र झाली आणि अंधळा मित्र म्हणाला, आता मला घरी गेलं पाहिजे, उशीर झालाय। तर तो डोळस मित्र म्हणाला, खरंच आहे, तुला आता घरी गेलं पाहिजे, पण जाताना मी तुझ्याजवळ एक कंदील देतो। असं म्हणत त्या अंधळ्या मित्राच्या हातामध्ये डोळस मित्राने एक कंदील दिला। अंधळा मित्र हसायला लागला आणि म्हणाला, तुला माहिती आहे ना, मी मला दिसत नाही, ह्या कंदिलाचं मला काय काम। तेव्हा तो डोळस मित्र त्याला म्हणाला, अरे मला माहिती आहे तुला दिसत नाही, पण आता अंधारात तू जाताना तुझ्या अंगावर कोणीतरी येऊन आदळू नये म्हणून तुझ्याजवळ मी हा कंदील देतोय, असा विचार करतोय। असं म्हणत तो अंधळा मित्र तो कंदील घेऊन निघाला आणि थोड्या वेळानंतर काय झालं कोणास ठाऊक, एक डोळस माणूस त्याच्या अंगावर येऊन आदळलाच। त्याला आश्चर्य वाटलं। त्याने विचारलं, कसा काय तू माझ्या अंगावर आदळलास? तेव्हा तो डोळस माणूस त्याला म्हणाला, मला सुद्धा आश्चर्य वाटतंय, तुझ्या हातामध्ये विझलेला कंदील आहे हे तुला दिसलं नाही का? म्हणजे थोड्या वेळाने गेल्यानंतर तो कंदील विझला आणि याला कळलं सुद्धा नाही, कारण हा अंधळा होता। तेव्हा तो अंधळा माणूस म्हणाला, गड्या, आज मला एक गोष्ट आयुष्यात नक्की कळली की दुसऱ्याने दिलेला प्रकाश फार काळ टिकत नसतो। प्रकाश हा आपल्या आतूनच उगवून यायला पाहिजे असतो। आदरणीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर किंवा इथे ज्या तस्विरी लावल्या आहेत, या प्रत्येकाने आपल्या स्वतःला जगायला शिकवलं। त्यांच्या प्रत्येक कार्यातून आपल्याला प्रेरणा मिळते आणि असे प्रेरणेचे असंख्य दीप आपण सतत तेवत ठेवावे आणि समाजामध्ये जागृती करावी, त्यासाठीच बाबासाहेबांनी मूकनायक या पाक्षिकाला सुरुवात केली। त्याचे पुरस्कार आता आपण यानंतर देणार आहोत, पण यामागची नेमकी संकल्पना आपल्यापर्यंत पोहोचवावी म्हणून मी प्रास्ताविकासाठी माननीय श्री दिनेश वाघमारे आपले प्रधान सचिव त्यांना आमंत्रित करते। परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शाहू महाराज, छत्रपती शिवाजी यांच्या पावन स्मृतीस सर्वप्रथम मी अभिवादन करतो। आज इस समारोह के उपलक्ष्य में उपस्थित सन्माननीय नामदार केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय थावरचंद जी गहलोत जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सन्माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय रामदास जी आठवले जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र राज्य के मंत्री महोदय सामाजिक न्याय सम्माननीय राजकुमार जी बड़ोले जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित डायरेक्टर जनरल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन श्रीयुत के जी सुरेश जी, कार्यक्रम में उपस्थित सन्माननीय खासदार महोदय हरिश्चंद्र जी चौहान, सन्माननीय खासदार महोदय विकास जी महात्मे, केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य सन्माननीय सुलेखाताई कुंभारी जी, सन्माननीय आमदार भाई गिरकर जी, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन सन्माननीय सन्माननीय श्याम कपूर जी, मंच पे उपस्थित सर्व सम्माननीय अतिथिगण, आज इस समारोह में उपलक्ष्य में उपस्थित सर्व सम्माननीय उपस्थितगण, सर्व सम्माननीय पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सर्व सम्माननीय सदस्य, आज महाराष्ट्र शासन के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर इनकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्थापित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठान नागपुर द्वारा इस मूकनायक पुरस्कार का आयोजन भारत की राजधानी दिल्ली में ये डॉक्टर आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में होने जा रहा है। परम पूज्य भीमराव रामजी आंबेडकर द्वारा दलित, शोषित, दबे कुचले लोगों की आवाज़ बुलंद करने के उद्देश्य से
इस पत्रिका का संचालन किया गया। इसी तरह राजकीय, धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्र में पिछड़े समाज को सही जगह मिले तथा उनके हक और अधिकार उन्हें मिले, समाज में जागृति आए और समाज के हर वर्ग अपने हक के प्रति जागरूक हो, इस उद्देश्य को लेकर 31 जनवरी 1920 से मुंबई से मूकनायक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। आज इस घड़ी को 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्य करने वाले व्यक्ति को सम्मानित करने जा रहे हैं। इस पुरस्कार का स्वरूप 1,00,000 रुपये तथा मेमेंटो, शाल, श्रीफल तथा डॉक्टर बाबा साहेब की किताब देकर सम्मानित करेंगे। उसी तरह प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्य करने अन्य एक एक साथियों को प्रोत्साहन गौरव करेंगे। मुझे खुशी है कि आने वाले दिनों में आज पुरस्कृत किए जाने वाले व्यक्ति और मजबूती से कार्य कर अन्य लोगों के लिए आदर्श साबित होंगे। मैं आज के इस अवसर पर सभी को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। भारत में समता प्रस्थापित करने के लिए मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। देश के शोषित वंचित लोगों की समस्याएं, उनकी आवाज सामने लाने के लिए मीडिया बहुत अहम रोल निभा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि ये इनिशिएटिव मीडिया क्षेत्र के कर्मियों को समाज के दबे कुचले तबके के लोगों की आवाज को सामने आने के लिए प्रेरित करेगा। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान दिनेश वाघमारे जी। हमारे बीच में श्रीमान हंसराज अहिर जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार पधारे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और आपके औपचारिक स्वागत के लिए मैं आग्रह करता हूं श्रीमान राजकुमार बड़ोले जी से। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। मूक नायक सामाजिक पत्रकारिता पुरस्कार, ये कार्यक्रम अब आगे बढ़ता है और इसी कड़ी में मैं भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक श्रीमान केजी सुरेश जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार हमारे बीच में रखें। परमादरणीय थावरचंद गहलोत जी, परमादरणीय हंसराज अहिर जी, हमारे बीच आज के इस पूरे कार्यक्रम, जिनके प्रेरणा से आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, राजकुमार बड़ोले जी, परमादरणीय रामदास अठवाले जी, यहाँ उपस्थित मंचस्थ सांसद और विद्वतगण, साथियों, पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम मैं आयोजकों को बधाई देना चाहता हूँ कि एक आपने पूरे देश को एक ऐसे विषय के बारे में जागरूक कराया जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी, यानी कि मूक नायक। क्योंकि हम लोग अक्सर बाबा साहब के बारे में चर्चा करते हैं तो संविधान के बारे में, सामाजिक पहलुओं के बारे में ज़रूर चर्चा करते हैं, लेकिन वो कितने बड़े पत्रकार थे और उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा है, उन विषयों पर बहुत कम बातें होती है, चर्चा होती है या अध्ययन भी किया गया है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है, शायद इसलिए मुझे यहाँ निमंत्रण मुझे दिया गया, क्योंकि भारतीय जनसंचार संस्थान देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्था होने के नाते, शायद जब राजेश राजकुमार बड़ोले जी ने जब हमें बुलाया तो शायद हमें याद दिलाने के लिए था कि ये आप कैसे भूल गए। मुझे लगता है कि मूक नायक
को हमें सिर्फ याद करना, उस दिन एक कार्यक्रम करके यहाँ कुछ लोगों को पुरस्कार देने से ही काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि उस पाक्षिक को, जिनको उन्होंने वॉइस ऑफ द वॉइसलेस या बे आवाज़ों की आवाज़ बनाई थी, उसको हम क्या पुनर्जीवित कर सकते हैं? उस पाक्षिक को मुझे लगता है कि वो हमारा सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी अगर हम उनके नाम पर हम उसे पुनर्जीवित करें। मैं आपको यहाँ विशिष्ट अतिथियों को ये ज़रूर यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे जो महाराष्ट्र में जो केंद्र है, परिसर है अमरावती में, वहाँ हमने हाल ही में 2 वर्ष पहले मराठी पत्रकारिता के पाठ्यक्रम शुरू किया था, और हमारे छात्रों की तरफ से मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हमारा जो अमरावती केंद्र है, इस पाक्षिक के पुनर्जीवित करने में और उसको कामयाब बनाने में पूरी भूमिका निभाएगी। बाबा साहब ने सिर्फ मूक नायक का ही नहीं शुरुआत की थी, उन्होंने 1927 से 29 तक बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत समाज के आवाज को बुलंद करने के लिए एक पत्रिका शुरू की थी। उसके बाद उन्होंने 1930 से 56 तक जनता नामक पत्रिका की शुरू की थी, और अंततोगत प्रबुद्ध भारत ये 1956 में उन्होंने शुरू किया। इसमें सिर्फ दो बातें मैं कहकर अपने वाणी को, क्योंकि यहाँ बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हैं जिनको हम सुनने के लिए इच्छुक हैं। एक, उन्होंने इसको एक आवाज़ बनाया, बे आवाज़ों की आवाज़ जिसको कहते हैं, समाज में चल रहे अत्याचार अन्याय के खिलाफ जंग लड़ने के लिए उसको एक हथियार बनाया, समाज को जागरूक करने के लिए। लेकिन उस जागरूकता अभियान में उन्होंने कहीं उसमें विद्वेष नहीं आने दिया, और उनके जो 3 सहयोगी जिनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, B.R. खांडेकर जी, G.N. सहस्रबुद्धे जी और देवराव नाइक जी, जिनको उन्होंने पत्रकार ये इन पत्रिकाओं की जिम्मेदारी दी, इनमें से कोई भी जो है पिछड़े वर्ग से या अनुसूचित जाति से नहीं था, तो यानी कि उन्होंने प्रेरित किया हर समाज को कि वो इस आवाज़ को बुलंद करें। ये उनका समावेशी विचारधारा था, ये उनका जो दरिया दिली थी। और यही नहीं, आपको शायद आने वाले जो हमारे वक्ता हैं वो ज़रूर इस बात को उल्लेख करेंगे कि इस पत्रकार का जो मूक नायक जो शुरू हुआ, इसको छत्रपति साहू जी महाराज ने 2500 रुपये इसकी स्थापना के लिए उनका योगदान दिया था। ये उनका बहुत बड़ा योगदान था और जो इससे जुड़ा हुआ है। और दूसरा एक अहम संदेश, अगर आप मूक नायक के प्रतियों को अगर आप देखते हैं पुराने जो बहुत कम उपलब्ध है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि उन्होंने कहा कि हमें समाज का पिछड़ग्गू नहीं बनना है पत्रकारिता में। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा संदेश था कि समाज क्या कह रहा है उस हिसाब से हमको नहीं, समाज में एक नया विचार हमको तैयार करना है और समाज को नेतृत्व प्रदान करना है। मुझे लगता है कि ये आज के मीडिया के लिए भी, आज के युग के जो मीडिया है उनके लिए भी ये सबसे बड़ा सबक है कि आपको समाज का पिछलग्गू नहीं बनना है, समाज को नेतृत्व प्रदान करना है, और जिसको कहते हैं मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन, वो जनमत तैयार करना है समाज के कुरीतियों के खिलाफ, समाज में अत्याचार और अन्याय के खिलाफ, और समाज में समरसता और न्याय के लिए। ये आज भी, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, न सिर्फ हमने दिल्ली में हमारा जो मुख्यालय परिसर है, हमारे 6 कैंपस है IIMC के मुख्यालय परिसर में जो बॉयज़ हॉस्टल है उसका नाम हमने बाबा साहब के नाम पर रखा है, और यही नहीं, और हम बाबा साहब की पत्रकारिता पर अगले सत्र से विशेष, हम गांधी जी और बाबा साहब के पत्रकारिता पर विशेष एक यूनिट भी हम शुरू करेंगे, ये मैं आपको यहाँ आश्वासन देना चाहता हूँ। आपका पूरा सहयोग आगे भी रहेगा, और ये जो कार्यक्रम आज आपने मूक नायक के बारे में यहाँ आयोजित किया, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय राजधानी में आपने ये आयोजित कर पूरे देश के मीडिया को जगाने का प्रयास किया है। आपको पुनः साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद KG सुरेश जी। और किसी ने कहा है कि ना कुछ हो सिर्फ सपना हो,
ना कुछ हो सिर्फ सपना हो तो भी हो सकती है शुरुआत, और ये शुरुआत ही तो है कि वो एक सपना है। और देखिए बाबा साहब अंबेडकर के मूक नायक पत्र पर जो एक सामाजिक पत्रकारिता पुरस्कार हो ऐसा सपना श्रीमान राजकुमार बड़ोले जी ने देखा, और उस सपने को और आगे बढ़ाते हुए अभी अभी मंच पर के जी सुरेश जी ने कहा कि हम अपने पाठ्यक्रम में इस पर और आगे शोध करेंगे और आगे एक इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए इस विचार को साधुवाद, और अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हम आवाज़ देते हैं मंच पर। हमारे बीच में आई हैं सुलेखा कुंभारे जी, आप सदस्य हैं केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग नई दिल्ली, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपके विचार अब हम मंच से सुनना चाहते हैं। बहुत जोरदार ताली। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, भारतीय घटने की शिल्पकार परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, राजर्षि शाह महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्हीं सभी के विचारों को अभिवादन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय विभाग के माननीय गहलोत साहब, इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आए हुए सामाजिक न्याय विभाग के राज्य मंत्री और हमारे नेता हमारे मार्गदर्शक माननीय रामदास आठोले साहब, उसी प्रकार इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आए हुए हमारे नामदार केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अहिरे साहब, मंच पर बैठे हुए हमारे नागपुर के खासदार राज्यसभा में जो है महात्मे साहब, माननीय खासदार चौहान साहब, हमारे अम्बेडकरी चलवर में बहुत आगे काम करने वाले हमारे मुंबई के कामगारों में काम करने वाले भाई गिरकर साहब, उसी प्रकार इस कार्यक्रम में जिन्होंने इस कार्यक्रम को महाराष्ट्र से लेके भारत तक और इस देश के राजधानी में कार्यक्रम लेने का जो हिम्मत दिखाया, जो कार्य किया है, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, हमारे महाराष्ट्र राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री माननीय राजकुमार बड़ोले साहब, इस पर बैठे हुए हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाघमारे साहब और सभी गणमान्य अतिथि भिक्षु संघ, इनको नमन करती हूँ, और भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि राजकुमार बड़ोले साहब को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम महाराष्ट्र में भी किया जा सकता था, मगर उन्होंने दिल्ली में आके एक बाबा साहब को अपने श्रद्धा अपनी आदरांजलि देने के लिए, एक उनके कार्य को एक पुष्प बहाल करने के लिए उन्होंने इस स्थान को चुना दिल्ली में, जो ये भारत की राजधानी है, और भारत के राजधानी में इंटरनेशनल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर है ये, यानी इसका मतलब हुआ हम अपने जमीन पर अपनी मालकियत हक पर अपने बाबा साहब का कार्यक्रम ले सकते हैं, ये दिखाने का ये समय है। हमें कोई हॉल बुक करना नहीं पड़ा कहीं जाके, इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को और गहलोत साहब को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप 15 जनपद जैसी जगह पर आपने डॉक्टर बाबा साहब का इतना भव्य दिव्य ऐसा कन्वेंशन हॉल जो आपने बनाया है, जो एक आपका भी अभिनंदन करने का ये अच्छा मौका है। मैं सोच रही हूँ कि बीजेपी के साथ अलायंस करना सही था या गलत था, मगर 5 साल बाद लग रहा है कि बिल्कुल सही था, क्योंकि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पॉलिटिकल अलायंस किया जा सकता है विकास के नाम से, डेवलपमेंट के नाम से, और हमने देखा है कि ये 5 साल में माननीय गडकरी साहब यहाँ पर नहीं है, माननीय गडकरी साहब का जो साथ हमें महाराष्ट्र में मिला है, और राजकुमार बड़ोले साहब को विशेष आशीर्वाद है कि उन्होंने हमारे महाराष्ट्र में एक से बढ़कर एक कार्यक्रम नहीं किया। आपने देखा होगा कि इंदू मिल के जगह बहुत सालों से जहाँ पर चैत्य भूमि है, बाबा साहब को नमन करने के लिए लाखों लोग 6 दिसंबर को वहाँ जाते हैं, उस जगह इंदू मिल की जगह जो हमारे कब्जे में नहीं थी, रेलवे के पास थी, उसको वापस लाना और वहाँ पर भव्य दिव्य ऐसा स्मारक बनाने का भूमि पूजन माननीय पंतप्रधान महोदय ने किया, और वहाँ पर एक अच्छा स्मारक अभी कुछ ही दिनों में वहाँ का काम पूरा होने वाला है, उसका पूरा श्रेय राजकुमार बड़ोले साहब को जाता है, हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को जाता है, गडकरी साहब को जाता है। अभी इन्होंने छलांग से दिल्ली तक लगाया ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ, इन्होंने छलांग
यहाँ से लेके लंदन तक पहुँच गए। मैं तो राजकुमार बडोले साहब को बहुत सादा सुदा जेंटलमैन समझती थी, उनको बात करना, अगर आपने जयभीम भी किए तो इतने धीरे से जयभीम करते हैं, मैं सोचती मुझे कोई जयभीम करता है तो मैं 10 पट आवाज़ से जयभीम करती हूँ। तो मुझे लगता है ये सीधा साधा दिखने वाला इंसान कोई सीधा साधा नहीं है। इन्होंने छलांग डायरेक्ट लंदन को लगाया। अब बताओ कि ये कोई सोच भी नहीं सकता सपने में कि हम अपने राज्य के मंत्री है, हमें तो महाराष्ट्र देखना है, मगर महाराष्ट्र ना देखते हुए डायरेक्ट लंदन चले गए। और जहाँ पर बाबा साहब रहते थे, जहाँ उन्होंने अभ्यास किया, उस निवास स्थान को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, महाराष्ट्र सरकार ने लिया। और वहाँ पर अभी वहाँ पर इतना अच्छा सेंटर बन रहा है कि वहाँ बाबा साहब के जीवन का अभ्यास किया जा सकता है। कई स्टूडेंट जो हमारे शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट हैं, उनको स्कॉलरशिप दे के वहाँ लंदन भेजा जा रहा है, जहाँ वो बाबा साहब का स्टडी करे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, हम कहते हैं कि बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया और हमने बाबा साहब को स्वीकारा, मगर मुझे कहीं ना कहीं कोने में एक दुख होता है कि क्या पूरी तरह बाबा साहब को स्वीकारा गया है? नहीं। आप देखिए, बाबा साहब का संविधान हमारे देश ने जरूर स्वीकारा, और ऐसा संविधान बाबा साहब ने दिया कि जिसमें दुनिया में तोड़ नहीं, ऐसा संविधान जो बाबा साहब ने दिया उसको पूरी तरह भी अभी स्वीकारा नहीं गया। अगर हम वाकई में इस देश को आगे लेके जाना चाहते हैं तो बाबा साहब के सिद्धांत, बाबा साहब के विचार और बाबा साहब ने बताए हुए रास्ते पर अगर ये देश चले तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। और इसलिए बाबा साहब ने उस जमाने में 1920 में, यहाँ पर बहुत बड़े पत्रकारिता में काम करने वाले लोग भी बैठे हैं, यहाँ पर बहुत सीनियर लोग भी बैठे हैं, क्या है आप सोच सकते हैं आज की तारीख में कि मैं एक वर्तमान पत्र निकालूं? हमारे सब सुविधा हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, हमारे पास एक नहीं दो दो मोबाइल है, हमारे पास घर में एक एक नहीं दो दो तीन तीन कलर टीवी है, मगर वर्तमान पत्र निकालना ये कोई आसान काम नहीं है। 100 साल पहले बाबा साहब ने सोचा कि मैं एक ऐसा वर्तमान पत्र निकालूं जो बोल नहीं सकता, जो सार्वजनिक जगह से पानी नहीं पी सकता, जो स्कूल की क्लास में बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठ सकता। ऐसे लोगों को मुझे जागरूक करना है, ऐसे लोगों को मुझे दिशा दिखाना है, उनको रास्ता दिखाना है। और मूक नायक नाम भी कैसे चुना उन्होंने, जिनको जबान नहीं वो नायक बन सकता है, जिनको जबान नहीं वो इस देश को आगे बढ़ा सकता है, लीडरशिप दे सकता है। इस तरीके की सोच उस वक्त बाबा साहब ने लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि मूक नायक जैसे पेपर का 100 साल बाद उसको जागृत करना, आज हमारा मीडिया जो है पूरा वर्तमान पत्र मीडिया कमर्शलाइज हो गया है, पूरी तरह कमर्शलाइज हो गया। अगर आप उनको ऐड नहीं देंगे आपकी न्यूज़ नहीं आएगी। मैं श्रीलंका, जापान, बहुत बुद्धिस्ट कंट्री घूमी हूँ, वहाँ पर एक हाथ भिक्षु अगर कुछ बोलता है तो वर्तमान पत्र की पहली न्यूज़ बन जाती है कि तथागत गौतम का शांति मानव कल्याण विचार ये भिक्षु ने बताया है। और हमारे वर्तमान पत्र में अगर कुछ ऐसी न्यूज़ देना है तो नहीं आ सकती। हमारी न्यूज़पेपर अगर हम खोलते हैं तो पहली न्यूज़ आती है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं हमला हुआ है, कहीं ना कहीं खून हुआ है, कहीं ना कहीं बलात्कार हुआ, कहीं ना कहीं सब नेगेटिव न्यूज़, मगर पॉजिटिव न्यूज़ जाती नहीं। इसलिए ये मूक नायक जो है इसको पुनर्जीवित करके हमारे राजकुमार बडोले साहब ने दिशा दी है, ये सोचने पर मजबूर किया है कि इस तरीके से वर्तमान पत्र से कमर्शलाइज नहीं हो सकता, वर्तमान पत्र लोगों को राह दिखने करने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है, ये मूक नायक के माध्यम से आपने यहाँ पर बताया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की मेंबर जरूर हूँ, बुद्धिस्ट मेंबर हूँ, बहुत लड़ती हूँ, बहुत संघर्ष करती हूँ, बहुत झगड़ा करती हूँ, और मुझे लगता है कि मूक नायक के माध्यम से राजकुमार बडोले साहब आपने जो ये पुनर्जीवन किया इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिनको अवार्ड्स मिल रहे हैं उनको भी मैं अभिनंदन करती हूँ, चाहती हूँ कि हम सब मिलके क्यों ना ऐसा वर्तमान पत्र निकाले जिसमें बाबा साहब के स्पीचेस, बाबा साहब की राइटिंग, बाबा साहब का बुद्ध धम्म का विचार ये लोगों तक जाए, इस तरीके से एक सामाजिक जागरूकता हो। इतने कहते हुए अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, मनापासून धन्यवाद आदरणीय सुलेखाताई।
आपण जसं म्हणालात की बडोले साहेबांनी केवळ महाराष्ट्रच नव्हे संपूर्ण भारतच नव्हे तर लंडनपर्यंत मजल मारली आणि आदरणीय बाबासाहेबांना आदरांजली अर्पण केलेली आहे. आपल्यालासुद्धा सगळ्यांना असं वाटतं की असाच त्यांच्या कार्याचा प्रसार व्हावा आणि बडोले साहेबांच्यासुद्धा कार्याचा असाच प्रसार व्हावा. यानंतर या कार्यक्रमात आपण पुढे जातोय. पुरोगामी विचारांच्या आपल्या देशाला अधिक समृद्ध निर्मल आणि बलशाली बनवण्यासाठी नव्या पिढीला ज्ञानसंपन्न करण्यासाठी पत्रकारितेचा एक महत्त्वाचा वाटा आहे. वृत्तपत्र आणि एकंदरीतच मीडिया म्हणजे समाजाचा आरसा असतो. आपल्या गौरवशाली परंपरेला जतन करत स्वच्छ सुंदर पारदर्शक अशा बातम्या समाजापर्यंत पोहोचवणं आणि सामाजिक समरसता नांदावी म्हणून समाजातील शोषित पीडित दलित आणि वंचितांच्या अश्रूंना न्याय मिळवून देत त्यांना समाजाशी जोडणाऱ्या तरुण पत्रकारांचं योगदान सुद्धा येणाऱ्या काळामध्ये अतिशय महत्त्वाचं ठरणार आहे. आजच्या कार्यक्रमाचं औचित्य साधत अशा तरुण तडफदार पत्रकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन पुरस्कार आज या ठिकाणी प्रोत्साहनपर देण्यात येणार आहेत. या प्रोत्साहनपर पुरस्काराच्या पहिल्या मानकरी आहेत योगिता साळवी. जोरदार टाळ्या आपण योगिता साळवी यांच्यासाठी वाजवल्या पाहिजे. आपण बघूया त्यांच्यावर आधारित एक चित्रफीत आणि त्यानंतर मान्यवरांच्या हस्ते त्यांना पुरस्कार. भारत मुंबई में उपसंपादिका योगिता शिवराम साळवी शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए जानी जाती है. समाजशास्त्र, मीडिया मैनेजमेंट और सोशल वर्क की पढ़ाई करने वाली मिसाल भी SNDT मुंबई की सीनेट सदस्य समरसता अध्ययन केंद्र कार्यकारी व्यवस्थापक स्वयं महिला मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुकी है. इसके अलावा वे सामाजिक उत्थान की दिशा में 250 सेवा बस्तियों से संपर्क साधने महिला सशक्तिकरण के लिए 16 वर्षों तक शिविर आयोजित करने आरोग्य व पर्यावरण विषय पर जन जागृति लाने जैसे कार्य भी बखूबी पूरी कर चुकी है. इसके अलावा स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से 800 लोगों के निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने महिला मंडलों और समाज सेवी संस्थाओं की मदद से 3 बस्तियों में निःशुल्क अभ्यासिकाएं एवं संस्कार केंद्रों के संचालन के साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर 5 वर्षों से व्याख्यान माला का आयोजन का श्रेय भी उन्हें ही जाता है. योगिता साळवी बीते कई वर्षों से समाज में जाति भेद लिंग भेद धर्म भेद मिटाकर सामाजिक समता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. इसके अलावा वे हिंदू सण मत मतांतरें और पारंपरिक कारगिल समाज जैसे संशोधनों का कार्य भी बखूबी पूरी कर चुकी हैं. उन्हें अपने सामाजिक योगदान के लिए वर्ष 2009 में मुंबई में महापौर पुरस्कार वर्ष 2012 में बजाज अलायंस कंपनी द्वारा मोस्ट इंस्पायरेबल वर्किंग वुमेन वर्ष 2015 में लोक गौरव पुरस्कार समर्थति पुरस्कार वर्ष 2016 में विश्व संवाद केंद्र द्वारा देवर्षि नारद पुरस्कार और संस्कृति संवर्धन केंद्र द्वारा वर्ष 2018 में पत्रकारिता क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जा चुका है. योगिता साळवी यांना यांचा सन्मान करावा हा प्रोत्साहनपर पुरस्कार देऊन. योगिता साळवी सध्या मुंबई तरुण भारतामध्ये उपसंपादिका म्हणून कार्यरत आहेत. मान्यवरांच्या हस्ते योगिता साळवी यांना हा प्रोत्साहनपर पुरस्कार प्रदान करण्यात येतोय. काय आपण जोरदार वाजवले पाहिजे. पुरस्कार म्हणजे शाबासकीची थाप असते आणि तरुण पिढीला असा हा प्रोत्साहनपर पुरस्कार देऊन त्यांच्यामध्ये असलेली ऊर्जा वाढविण्यासाठी एक महत्त्वाचा असा मैलाचा दगड आहे. प्रिंट मीडियासाठी योगिता साळवी यांना हा पुरस्कार. योगिता साळवी यांचं हार्दिक अभिनंदन आणि त्यांना शुभेच्छा.
यानंतरचे प्रोत्साहन पुरस्काराचे दुसरे मानकरी आहेत इलेक्ट्रॉनिक मीडियासाठी गोविंद तुपे, श्री गोविंद तुपे. आपण बघूया त्यांच्यावर आधारित एक चित्रफीत आणि त्यानंतर त्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात येईल. चौथे स्तंभ मीडिया पर समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और वसंगतियों का भांडाफोड़ कर उनका पर्दाफाश करने की अहम जिम्मेदारी होती है. मुंबई के गोविंद दुबे ऐसे ही एक कलम के सिपाही हैं जिन्होंने भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करते हुए सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए बतौर पत्रकार खूब संघर्ष किया. जय महाराष्ट्र में बतौर वरिष्ठ पत्रकार कार्यरत गोविंद दुबे ने पूर्व में सताल मीडिया समूह, लोकसत्ता, आईबीएन लोकमत में कई अहम जिम्मेदारियां संभाली. अपने पत्रकारिता जीवन में उन्होंने कई बड़े और उल्लेखनीय विषयों पर कार्य किया. महाराष्ट्र के सभी मंत्रालयों को सूचना के अधिकार के तहत लाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया. तो वहीं आदर्श सोसाइटी जैसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने का श्रेय उनको भी जाता है. इसके अलावा मुंबई के प्रस्तावित इंदू मिल को कम जमीन मिलने का मुद्दा भी उन्होंने जोर शोर से उठाया. वहीं 26/11 के मुंबई बम धमाकों में पीड़ितों के परिवार को मुआवजा दिलाने, महाराष्ट्र में गरीबी रेखा के नीचे के तबकों को सुविधाओं का लाभ न मिलने, हार्ट की बीमारी से जूझ रही बच्ची को मदद दिलाने जैसे कई जन सरोकार के विषयों को उन्होंने अपनी लेखनी से समाज के सामने प्रस्तुत किया. गोविंद दुबे SRA, BMC जैसे प्राधिकरणों के विषयों को प्रमुखता से उठाते हैं. पत्रकारिता के अलावा गैर सरकारी संगठनों से जुड़कर जन सहभागिता का जिम्मा भी उठा चुके हैं. उनकी किताब मुंबई माझे परिवार को भी खूब सराहना मिली. उन्हें पत्रकारिता क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है. वर्ष 2009 में मानवता अवार्ड, वर्ष 2017 में मुंबई पत्रकार संघ अवार्ड, रेड इंक अवार्ड, अष्टगंध अवार्ड, जगन फडणीस अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं. मीडियासाठी गोविंद तुपे यांना हा पुरस्कार, प्रोत्साहनपर पुरस्कार. सामाजिक पत्रकारिता प्रोत्साहन श्रेणी में गोविंद दुबे जी पुरस्कार प्राप्त करते हुए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. आपने सामाजिक सरोकारों के लिए जो लड़ाई लड़ी अपनी कलम के माध्यम से, उसके लिए आप आज पारितोषिक पाते हुए, और बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही हर्ष का विषय है हमारे लिए कि आज हमारे बीच में पद्मश्री राम सुतार जी आए हैं, जिन्होंने अभी आप सभी परिचित हैं आप रामसुतार जी की शख्सियत से कि उन्होंने विश्व में जो सबसे ऊंची प्रतिमा अभी सरदार पटेल की हमने खड़ी की है देश में, उसकी जो परिकल्पना है वो रामसुतार जी की है. आप मूर्तिकार के तौर पर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विख्यात हैं. आज आपके दर्शन हमें हुए साक्षात. इंदू मिल में जो प्रतिमा बाबा साहब अम्बेडकर की बन रही है वो भी आपके ही कदमों से आगे बढ़ रही है. आपका अभिनंदन करते हुए राजकुमार पडोले जी, बहुत बहुत धन्यवाद. और अब उस व्यक्ति को मंच पर बुलाने का समय है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के मूक नायक को पुनर्जीवन देने का जो सपना है उसे देखा. और जैसा कि आपको बताया गया कि लंदन में बाबा साहब का जो निवास था उसे महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत लाने के लिए प्रयास किए उस व्यक्ति ने, जो बाबा साहब के जीवन को, उनके कृतित्व को दोबारा आज की आधुनिक पीढ़ी के सामने लाने का प्रयास करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं. ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्वप्न दृष्टा मैं कहूँगा, राजकुमार बडोले जी, माननीय सामाजिक न्याय एवं विशेष सहाय मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार, आपका
जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन मंच पर कि आप आए और किस तरह से आपने ये ख्वाब देखे और कैसे आप इनको साकार करने की ओर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसके विषय में सभा में मौजूद सभी व्यक्तियों को बताएं। हिंदू विश्व राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, सामाजिक क्रांति के प्रणेते महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता, इस देश के समस्त बहुजनों के मार्गदाता मुक्तिदाता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महाराष्ट्र एवं देश के तमाम संत पुरुष राष्ट्र पुरुष, इन्हें विनम्र अभिवादन। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय विभाग की ओर से एवं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समता प्रतिष्ठान की ओर से मूक नायक सामाजिक पुरस्कार सोहड़ा यहाँ पे वितरित किया जा रहा है। इस निमित्त यहाँ उपस्थित आदरणीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय गहलोत साहब, आदरणीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर जी, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय आठवले साहब, माननीय सुरेश के जी सुरेश जी, खासदार हरीशचंद्र चौहान जी, खासदार डॉक्टर विकास महात्मे जी, हमारे विधान परिषद के प्रतुत आदरणीय भाई गिरकर जी, मेरी बड़ी बहन केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य आदरणीय सुलेखा तई कुंभारे, NSFDC के CMD आदरणीय श्याम कपूर जी, हमारे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे जी, DG के महासंचालक कैलाश कमसे जी, यहाँ पर पुरस्कारार्थी एवं उपस्थित सभी मेरे पत्रकार बंधु, महाराष्ट्र से आए हुए सभी पत्रकार बंधु तथा देश के कोने से आए हुए या दिल्ली से आए हुए मेरे सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रबुद्ध भाइयों बहनों, यहाँ पर विशेष तौर पर यहाँ अभी उपस्थित हुए हमारे आदरणीय राम सुतार जी, जिन्होंने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 300 फीट की प्रतिमा जो बना रहे हैं, यहाँ उपस्थित वंदनीय मंत्री संघ एवं उपस्थित भाइयों बहनों, मूक नायक हजारों सालों से जो शोषित वंचित दीनहीन समाज, जिनकी जुबान जात धर्म के नाम से पंथ के नाम से हजारों सालों से बंद कर दी गई थी, जिन पर जुल्म ढाए गए पर बोल नहीं पाते थे, ऐसे शोषितों के मसीहा या महानायक या मूक नायक कहो, इस रूप में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम सबसे अग्रणी है। कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ग्रेजिन या ऐसे कई यूनिवर्सिटीज से उच्च विद्या विभूषित परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब, इस महामानव ने इस देश के दबे कुचले लोगों के लिए जो काम किया और ये मूक नायक के माध्यम से इन सभी शोषित वंचित समाज के आवाज को बुलंद करने का काम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। 31 जनवरी 2020 को आज इस घटना को 99 साल हो रहे, 125 साल शुरू हो रहे हैं। उन्होंने मूक नायक के साथ ही बहिष्कृत भारत, जनता, समता ऐसे वर्तमान पत्रों के माध्यम से देश के सामाजिक, राजकीय, धार्मिक
एवं आर्थिक क्षेत्र में शोषितों की आवाज़ को सरकार तक एवं समाज तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। बाबा साहब कई विषयों के तज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे, समाजशास्त्री थे, शिक्षा शास्त्री थे, घटनाशास्त्री थे, कायदा शास्त्री थे, जलतज्ञ थे, धर्मतज्ञ भी थे, पत्रकार भी थे। ऐसे कई विषय, यानी समाज का ऐसा कोई अंग ऐसा ये नहीं हो सकता जिसको बाबा साहब ने छुआ तक नहीं। यानी उस समय में अगर देखें पॉपुलेशन के बारे में बोलना है और कई बात जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी लगता था उस पर बाबा साहब ने उस समय में जो भाष्य किया वो निश्चित आज हर एक पहलू पे वो खरा उतरते दिखता है। पत्रकारिता का क्षेत्र जहाँ समाज के अनगिनत विषयों का चिंतन करके उनकी सिर्फ बुराई ना दिखाना बल्कि एक ऐसा रास्ता ढूंढना जो समाज हित के पक्ष में हो, अनगिनत जातियाँ उनके प्रश्न, भटकते हुए लोग, निरक्षरता, भांडवलशाही, गरीबी, भूखमरी, अंधविश्वास, ऐसे कई विषय, ऐसे सैकड़ों प्रश्नों के समाज के सामने लाना और उनको न्याय दिलाना, ये पत्रकारिता का मूल उद्देश्य जो बाबा साहब को लगता था। यहाँ पे केजी सुरेश ने भी उस बारे में यहाँ पे बताया। और इन सब विषयों के समय संबंध में अत्यंत निर्भीक तरीके से लिखना, ये उस जमाने की बात परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करते थे। यहाँ हम दो पुरस्कार दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, दूसरा प्रिंट मीडिया को। एक ऐसा नाम जिन्होंने पुल देशपांडे, इंदिरा संत, नारायण सुर्वे, आर के लक्ष्मण, ऐसे कई नामी लोगों के साथ काम किया, कला क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र, पत्रकारिता, इन सबका एक अद्भुत ऐसा संगम, ऐसे अनगिनत शागिर्द और ऐसे लोग जिन्होंने पत्रकारिता में निर्माण किया और एक आदर्श पत्रकार कैसा होता है उसका उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण यहाँ दिया है। वे आज इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट इन दोनों क्षेत्र में कार्यरत है। पत्रकारिता का समाज में उपयोग करने का उद्देश्य अद्भुत कौशल्य जिनके पास हो ऐसे पत्रकार, और जो अम्बेडकरी पत्रकारिता के सही मायने में जाने जाते हैं। दूसरा वह जो सामाजिक चिंतन, दबे कुचले समाज के प्रश्नों को उजागर करने का सतत साहस करते हैं और अपने अम्बेडकरी वैचारिकता की धार को कभी भी कम करते नहीं, ऐसे व्यक्ति को इस मुकनायक पुरस्कार के लिए आज यहाँ पे हम निश्चित ही हमारा जो चयन हुआ है किया है, और मुझे लगता है ज्यूरी कमेटी ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। पहली दफा यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त बैठे, राहुल कहीं बैठा है, राहुल उधर बैठा है। पिछले साल मैं खामगांव में गया था और वहाँ पे उन्होंने मूक नायक पुरस्कार की पहल मुझसे की थी कि साहब ये पुरस्कार सामाजिक न्याय विभाग समता प्रतिष्ठान के माध्यम से शुरू होना चाहिए। और मुझे भी लगता है बाबा साहब का इतना बड़ा काम पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है, और निश्चित ही समाज के लिए और हम सब के लिए निश्चित ही वो लाभदायक है। आज किस तरीके से सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था में जो अनेक प्रश्न, हम बहुत आगे निकल जा रहे हैं पर हमारे सामाजिकता के जो प्रश्न हैं, हमारे आर्थिक प्रश्न हो, हमारे शैक्षणिक प्रश्न हो, हमारे सामाजिक प्रश्न हो, हमारे धार्मिक प्रश्न हो, ऐसे कई प्रश्न जिसको सही मायने में बाबा साहब के एंगल से छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। जब के जी सुरेश जी यहाँ पे कह रहे थे कि इस मूक नायक को फिर से इसकी शुरुआत नए पहल में करना ज़रूरी है, और मुझे उन्होंने जो विषय दिया, निश्चित ही भविष्य में सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से, महाराष्ट्र के सरकार की तरफ से हम ये काम करेंगे, ऐसा मैं आपको यहाँ पे विश्वास दिलाता हूँ। मूक नायक पुरस्कार से पुरस्कृत करना
हमारा और हमारे समता प्रतिष्ठान का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य आज यहाँ लेके हम आए हैं। यहाँ पे हमारे आदरणीय मंत्रीगण यहाँ पे आए, आप सभी लोग यहाँ पे आए, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित ही इस पुरस्कार के माध्यम से एक शरतचंद्र मुक्तिबोध या तो सुरेश भट्ट, हमारे नागपुर के एक कवि होते थे, मराठी में कालचे सारे मुके आज बोलू लागले ते म्हणायचे, कालचे सारे मुके आज बोलू लागले आणि तुझ्या सत्याशवे शब्द तोलू लागले, ही भरारी पाखरांची। परमपूज्य बाबासाहेब के वाले में सुरेश भट्ट ने जो कहा, या शरतचंद्र मुक्तिबोध यांची एक कविता मराठीत आहे, काही लोकांना मराठीत कळते, गाणे हवे द्वेषाचे वैषम्याच्या द्वेषाचे, गाणे हवे द्वेषाचे वैषम्याच्या द्वेषाचे, गळून गळून स्वस्त मरणाच्या सुडाचे, आणि गाणे अपमानाचे विंचवाच्या दंशाचे, गाणे हवे बंडाचे साखळदंडाचे, घड मारणाऱ्या धान कापणाऱ्या हाताचे, पराजयातून नव्या संकल्पाला जिंकणाऱ्या नव्या गतीचे, गाणे हवे, गाणे हवे द्वेषाचे वैषम्याच्या द्वेषाचे, अशा पद्धतीचा गाणा, अशा पद्धतीचा जोश हा पत्रकारितेतून निर्माण झाला पाहिजे। आणि बाबासाहेबांनी सांगितलेली जी पत्रकारिता ती परत आमच्या सर्वांच्या अंतकरणातून ती निर्माण झाली पाहिजे आणि तीच पत्रकारिता समाजाला पुढे नेईल एवढं त्या ठिकाणी सांगू इच्छितो। आदरणीय सुरेश प्रभू साहेब आले आहेत, त्यांचं मनापासून धन्यवाद देऊन माझ्या शब्दांना विराम देतो। जय भीम, धन्यवाद। धन्यवाद राजकुमार बडोले जी। और आज के हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए माननीय सुरेश प्रभु जी, केंद्रीय वाणिज्य और नागरिक उड्डयन मंत्री भारत सरकार, हमारे बीच पहुंचे हैं। जोरदार तालियों के साथ आप सभी से हम गुजारिश करते हैं कि आप उनका अभिनंदन करें। और आपके औपचारिक स्वागत के लिए मैं विनम्र निवेदन करता हूँ राजकुमार बडोले जी से कि आप श्रीमान सुरेश प्रभु जी का औपचारिक स्वागत करें। राजकुमार बडोले जी, आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद पुनः। और मैं जोड़ना चाहूँगा कि थोड़ी देर पहले जब हम सुन रहे थे तो सुलेखा कुंभारी जी कह रही थी कि आप बहुत ही खामोशी के साथ अपने जो आपकी नीयत है जिस काम को करने की उसे करते रहते हैं, और आपने जितनी खामोशी के साथ मूक नायक को पुनर्जीवन देने का काम किया है, इस कल्पना को साकार किया, आप इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। जोरदार तालियों के साथ हम आपके संबोधन के लिए धन्यवाद, आपके स्वागत के लिए धन्यवाद देते हैं। और अब मंच पर आमंत्रित करते हैं हंसराज अहीर जी को, माननीय गृह राज्य मंत्री, आप मंच पर आएं और अपने विचार हमारे बीच रखें। माननीय हंसराज अहीर जी, माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार, आप भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। हम सभी देशवासियों के लिए बहुत श्रद्धा है ऐसे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की द्वारा जो मुकनायक एक पत्र चलाया गया था, उस मुकनायक के आज 100 वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय व विशेष सहाय मंत्रालय के द्वारा, साथ में नागपुर के संस्था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समता, इन दोनों संस्था के द्वारा आज यहाँ पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पत्रकारिता में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उनका सम्मान के साथ में इस महानायक भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो देश के लिए काम किए उनमें से अनेक कामों में ये भी एक कार्य है
जो उनका योगदान पत्रकारिता में भी था, उसे याद दिलाने के लिए इस मंच पर आए हुए विशेष अतिथि के रूप में जिन्हें बुलाया गया है, हमारे केंद्र के मंत्री सामाजिक न्याय मंत्रालय के आदरणीय गहलोत जी, महाराष्ट्र के ही लेकिन केंद्र में मंत्री आदरणीय श्री सुरेश जी प्रभु, सम्माननीय हमारे राज्य मंत्री सामाजिक न्याय मंत्रालय के हमारे मित्र रामदास जी अठोले, जिनकी कल्पना से जिन्होंने परिश्रम करते हुए कार्यक्रम किया है, ऐसे हमारे महाराष्ट्र के मंत्री सन्मान्य श्री राजकुमार जी बड़ोले, जिन्होंने अपने विचार यहाँ भी रखे हैं, बड़े अच्छे विचार रखे हैं, हमारी नागपुर की हमारी बहन सुरेखा दई कुंभारे, सन्मान्य श्री कांबड़े जी, सन्मान्य के जी सुरेश जी, सन्मान्य हमारे भाई गिरकर साहब, एमपी लोकसभा सदस्य श्री हरिश्चंद्र जी चौहान, राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर विकास महात्मे जी, सभी मान्यवर अधिकारीगण, और इस कार्यक्रम के लिए मैं विशेष करके आदरणीय राजकुमार जी को बहुत बधाई देता हूँ, मंत्री महोदय जी को, और शुभकामना दूंगा कि ऐसे कार्य आपने हाथ में लिए हैं जो कि प्रेरणादायी भी है। मैं यहाँ पर कुछ अधिक कहने के लिए नहीं, मैं आज यहाँ पर सुनने के लिए आया हूँ। फिर भी जहाँ पर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कार्य के बारे में जहाँ उल्लेख करना है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी एक बहुत बड़े महासागर के रूप में उनका पूरा कार्य है, व्यक्तित्व है, कई क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है, और उन्हें सिर्फ एक ही बात के लिए जाना जाए कि देश के संविधान के निर्माता, ये इतना उनका मर्यादित कार्य नहीं था। आपने आज देखा है कि 100 साल पहले जिन्होंने इस पत्रकारिता में अपना योगदान दिया, और 100 वर्ष पूर्व उन्होंने मुखनायक नाम की जो पत्रकारिता प्रेस में निकाला है न्यूज़पेपर, तब जिन लोगों पे अधिक अत्याचार होते थे और अत्याचार रोकने के लिए जो बोलते नहीं थे, सहन करते थे, उनका प्रतीक के रूप में इस पत्रकारिता ने बहुत अच्छा काम किया था, और उसका आज 100 साल होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में कुछ प्रेस के ही पत्रकारिता में काम करने वाले, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनका सम्मान भी रखा गया है। और मैं देख रहा था कि वक्ताओं ने जो बात कही है कि प्रेस पत्रकारिता जो मीडिया है हमारे देश की आधारशिला है लोकतंत्र की, इस आधारशिला को अधिक मजबूत करने के लिए हम सभी को आगे आने की ज़रूरत है। ऐसे कई मामलों पे और भी बोला जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर पत्रकार के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को हम जब देखते हैं तो उन्होंने कितने वर्ष पहले कार्य को हाथ में लिया था, और जब लोकतंत्र हमारे देश में स्थापना होने की भी थी, आज़ादी के बाद में हमने देश के संविधान को स्वीकार कर लोकतंत्र की स्थापना की है, लेकिन उसके पहले उन्होंने इसकी नींव रख दी थी और इस पत्रकारिता की महत्व बढ़ाया था, इस आधारशिला को उन्होंने मजबूत करने का 100 साल पहले काम किया है। मुझे लगता है कि देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रेस मीडिया एक बहुत बड़ा योगदान दे रही है, ये बहुत बड़ी ताकत है, उनका सम्मान होना भी जरूरी था। और बाबा साहब का एक अष्टपैलू व्यक्तित्व जो होता है, उनमें से ये भी एक व्यक्तित्व जो प्रेस चलाते थे मीडिया के रूप में, इस प्रेस पत्रकारिता उन्होंने सामने लाया था, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा राजकुमार मंत्री जी को। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी बात मैंने सुनी आदरणीय हमारी सुरेखा बहन की तरफ से, उन्होंने एक बात कही कि मैंने कोई गलती नहीं की थी कि आज की रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ में एनडीए में हमने अलायंस किया था। बहुत सही बात कही उन्होंने, और मैं इसका स्वागत करता हूँ ऐसी बात का, क्योंकि यहाँ पर उस बात को हमने भूलना भी नहीं चाहिए। ये कार्य इसके पहले भी हो सकता था, मुखनायक क्या चीज़ें किसी को मालूम भी नहीं था। जहाँ पर हम बैठे हैं इस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, इसकी निर्मिति तब भी हो सकती थी,
और इतना ही नहीं कि जहाँ बाबा साहेब जी का जन्म हुआ था मोह का, उसका भी जो उद्धार हुआ है, विकास हुआ है, ये भी इसके पहले हो सकता था। और जहाँ अलीपुर में जिनका बाबा साहेब जी का निवास स्थान था वहाँ पर भी बहुत अच्छा स्मारक बना हुआ है। और मुंबई में भी जहाँ पर चैत्य भूमि, जहाँ पर हिंदू मिल है, इसका भी निर्माण, ये जमीन इसके पहले भी हम बाबा साहेब जी के नाम से दे सकते हैं। ये पंच पवित्र स्थल जो बने हैं मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में, इसका अर्थ हम लगा सकते हैं कि जहाँ पर हमारी कुमार दीदी ने जो बात कही, बहन ने हमारी बात कही है, ये बात का अर्थ यही है कि ये काम कई वर्ष पहले होने चाहिए थे जो नहीं हुए थे। श्री बाबा साहब जी के नाम से राजनीति करना, वोट मांगना, इतने ही लोगों ने सीखा था, लेकिन विचारों को लेकर उनके जन्मस्थली से लेकर उनके कार्यस्थली तक और ये सारे सभी चीज़ों का उद्धार करना, विकास करना, न्याय देना, जनता के बीच में डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने क्या क्या काम किया है ये बताने का प्रयास मोदी जी की सरकार में बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। इसलिए मैं यहाँ पर आदरणीय मंत्री मोदी जी ने जो दिल्ली में कार्यक्रम लिया है, इसलिए मैं महाराष्ट्र के मेरे साथी हमारे मंत्री बड़ोले जी को मैं धन्यवाद भी देता हूँ। और ये हम सभी के लिए मार्गदर्शक साबित हो रहा है। और आगे मैं उम्मीद करता हूँ, यहाँ हमारे पत्रकारिता के भाई लोग आए हुए हैं, कि आपका कितना महत्व है देश की राजनीति में, समाज के विकास में, उद्धार में, ये समस्त आप लिखते आए हैं। और भी अच्छा लिखने के लिए आपको मैं शुभकामना देता हूँ। जिनका सम्मान हो रहा है उन सभी सम्मान मूर्तियों को भी मैं आगे के जीवन के लिए शुभकामना देते हुए मैं अपने दो शब्द यहाँ रखता हूँ। धन्यवाद। मनापासून धन्यवाद। आता आपण आजच्या कार्यक्रमाच्या महत्त्वाच्या टप्प्याकडे जातो आहोत, अर्थात आपण आता प्रदान करणार आहोत मूकनायक पुरस्कार। जनता जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये क्रांती व्हावी म्हणून पत्रकारांच्या लेखणीतून क्रांतिरसाच्या चिळकांड्या उडाव्यात आणि वृत्तपत्र ही क्रांतिरसाची कारंजी व्हावीत, जनता क्रांतीचा जय जयकार करणं हा पत्रकारांचा धर्म आहे असं आचार्य आत्रे यांनी म्हटलं। या आदर्श पत्रकारिता पुरस्कारांनी ज्यांना आता सन्मानित करण्यात येणार आहे त्यांच्यासाठी आपण एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूया। त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा हा सन्मान असणार आहे। सचमुच वो लम्हा, वो घड़ी आ चुकी है जिसके लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मूकनायक सामाजिक पत्रकारिता पुरस्कार का वितरण हम करने वाले हैं। और उस कड़ी में जो पहला नाम है प्रिंट कैटेगरी में, वो है मधुकर आपा कांबले। अभी आप एक शॉर्ट फिल्म में उनके जीवन का परिचय जानेंगे। मधु कांबले महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे से गांव में आने वाले मधुकर आप्पा कांबले ने महाराष्ट्र में अपनी मुखर पत्रकारिता की बदौलत एक पहचान बनाई है। ग्रामीण परिवेश में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई में उच्च शिक्षा प्राप्ति की। विद्यार्थी काल में सामाजिक परिवर्तन के लिए आंदोलनों के रूप में बढ़ाया कदम आज सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर केंद्रित पत्रकारिता के रूप में जारी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रभावित कांबले उन्हें आदर्श मानकर पत्रकारिता की राह पर चल रहे हैं। वर्ष 1991 में सकाल मीडिया समूह के साथ अपनी पत्रकारिता जीवन की शुरुआत करने वाले मधु कांबले मुख्यतः राजनीतिक समाचारों के संकलन के साथ ही समाज के पिछड़े और दबे हुए तबकों के मुद्दों को प्रकाश में लाने के लिए कार्यरत है। वे झोपड़पट्टियों, श्रमिक, मजदूरों के विषयों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं, जिसके कारण समय समय पर जरूरतमंदों को न्याय भी मिला है। सामाजिक परिवर्तन से जुड़े आंदोलन और अंबेडकर से जुड़े आंदोलनों पर विशेष अध्ययन है, जिसमें से वे समाज उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। बीते 9 वर्षों से वे इंडियन एक्सप्रेस समूह के लोकसत्ता समाचार पत्र में वे राजनीति रिपोर्टिंग का जिम्मा संभाल रहे हैं। कांबले के अनुसार लोकसत्ता में मिली निर्भीक और निष्पक्ष तरीके से लिखने की आजादी ने उनके करियर को नया मुकाम दिया है।
हाल ही में वे अपने समाज मंथन स्तंभ के जरिए समाज पर उनकी टिप्पणियों को खूब सराहना मिल रही है। कामले के अनुसार पत्रकारिता के जरिए समाज परिवर्तन का उनका ये सफर आगे भी यूं ही जारी रहेगा। आपको बता दें कि मराठी भाषा की जो जन सरोकार लक्षित पत्रकारिता है, आप उसके प्रमुख स्तंभ के रूप में पहचाने जाते हैं। मधुकर अप्पा कांबले जी, आप इस समय लोकसत्ता जो कि एक्सप्रेस ग्रुप का मराठी पत्र है, आप उसके असिस्टेंट एडिटर हैं। सैकड़ों जन सरोकार वाली स्टोरीज के बीच में एक विशेष स्टोरी जो आपके साथ जुड़ी है वो है कि निर्भया प्रकरण जो दिल्ली में हुआ था, उसके बाद मुंबई में भी एक मिल कंपाउंड में कुछ लड़कों ने दो लड़कियों के साथ अत्याचार करने का प्रयास किया था। उन दो लड़कियों में से जिस एक लड़की के साथ जो वो हादसा हुआ, वो एक निजी कंपनी में काम करती थी। उस लड़की को उस हादसे के बाद उस कंपनी ने निकाल दिया था। उसके मंगेतर ने भी उससे रिश्ता तोड़ दिया था। आसपास के लोगों ने उस घटना के बाद उसका बायकॉट किया। वो लड़की अपनी पढ़ाई भी जारी नहीं रख पा रही थी। उसकी कहानी को प्रमुख तौर पर लोकसत्ता में आपने प्रकाशित किया और उसका असर ये हुआ कि लोकसत्ता के पते पर उस लड़की के लिए बहुत से ब्लैंक चेक आए। बहुत लोगों ने फ़ोन करके मदद देने का, उस लड़की को अडॉप्ट करने का अपना विचार रखा और उसकी काफ़ी मदद की गई। और मधुकर अप्पा कांबले जी उस स्टोरी को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मानते हैं कि एक लड़की जिसे समाज ने बहिष्कृत करने की कोशिश की, उसे इनकी कलम की ताकत ने जगह दिलाई। और अब हम मधुकर अप्पा कांबले जी को आग्रह करते हैं कि वो दो शब्द अपने बीच में रखें। इस पुरस्कार को पाने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस पुरस्कार तक पहुंचने की आपकी जो यात्रा है उसका जिक्र जरूर कीजिए। दिल्ली मध्ये जे मुंबई उकाड्याची मुंबई आम्हाला सवय असल्यामुळे हिंदी बोलायचा प्रयत्न करतोय, पण थंडीमुळे ते जरा परत गडबड होईल असं मला वाटतं, त्यामुळे मी मागे तर बोलतो। अतिशय ऐतिहासिक अशा ह्या कार्यक्रमाच्या आयोजनामध्ये मंचावरील मान्यवर केंद्रीय मंत्रीगण गेहलोत साहब, सुरेश प्रभू साहब, आठवले साहेब, महाराष्ट्राचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले साहेब, अहिर साहेब, मंचावरील सर्व मान्यवर लेखाताई भाई गिरकरजी, खरं म्हणजे मी सर्वप्रथम महाराष्ट्र शासनाचे सामाजिक न्याय विभाग त्या खात्याचे मंत्री आणि ज्यांनी मुकनायक पुरस्कार देण्याची निवड समिती होती त्या सर्व समितीच्या सदस्यांचा मी पहिल्यांदा आभार मानतो, कारण माझ्या सारख्या एका लहान माणसाला, लहान पत्रकाराला त्यांनी या पुरस्कारासाठी पात्र समजले। आणि आपण सगळे पुढे जे बसले आहात त्या सगळ्या मान्यवरांचेही मी आभार मानतो। आणि 2 मिनिटं मी माझं मनोगत व्यक्त करणार आहे। खरं म्हणजे आज दुसरा एक इथं योगायोग आहे, परंतु त्याचा उच्चार मी आता करणार नाही, कारण ते अजून पुढचा कार्यक्रम होणार आहे। मी 28-30 वर्ष पत्रकारितेमध्ये आहे। खरं म्हणजे किती वर्ष आहे याला काही महत्त्व नसतं, तुम्ही काय त्या काय केलं त्याला महत्त्व असतं।
आज मी 30 वर्षाच्या माझ्या पत्रकारितेच्या आयुष्यामध्ये मी शासनाचा पहिल्यांदा पुरस्कार स्वीकारतो. मी स्वतःला एक पत्ते काढून घेतलेलं आहे की पत्रकारितेशी संबंधित नसणारा कोणताही पुरस्कार स्वीकारायचा नाही आणि पत्रकारितेशी संबंधित नसलेल्या संघटनांचा पुरस्कार घ्यायचा नाही. त्यामुळं प्रेमापुरती अनेक लोक मला असं म्हणून म्हणायचे की तुम्ही हा पुरस्कार घ्या, तुम्ही तो पुरस्कार घ्या. महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाचे 2 पुरस्कार मी नम्रपणे नाकारलेले आहे, कारण ते पत्रकारितेशी संबंधित नव्हते. आणि दुसरा एक माझा मुद्दा असा आहे किंवा माझं एक तत्व म्हणा असं आहे की आपल्या क्षेत्राशी संबंधित नसणाऱ्या एखाद्या शासनाचा पुरस्कार स्वीकारणं किंवा शासनाच्या कमिटीवर पण जायचं नाही असं मी ठरवलं होतं. बडोले साहेबांनी माझ्या काही सूचनेपोटी किंवा काही एका प्रपोजलच्या संदर्भात एका कमिटीवरती मला त्यांनी घेतलं, पण त्यांना मी नम्रपणे जाऊन सांगितलं की मी शासनाच्या कमिटीवर काम करत नाही. याचं कारण असं की पत्रकारितेची तटस्थता आपल्याला जपता येत नाही आणि त्यामुळं त्याच कमिटीमध्ये त्या कमिटीचा मी मेंबर असेल आणि त्याच कमिटीमध्ये काही गडबड झाली तर माझ्यासमोर एक प्रश्न उभा राहणार होता की मी पत्रकार म्हणून तिथं काम त्या घटनेकडे बघायचं का त्या कमिटीचा सदस्य म्हणून त्या घटनेकडे बघायचं. त्यामुळे मी असं ठरवलं की माझ्या पत्रकारितेच्या आड कोणतीही कमिटी येणार नाही याची मी खबरदारी घेतली. दुसरा, आजचा जो पुरस्कार आहे तो पुरस्कार मी अतिशय आनंदाने स्वीकारतोय. याचं कारण असं की हा पुरस्कार माझ्या आयुष्यातला किंवा माझ्या पत्रकारितेमधला सर्वोच्च पुरस्कार आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाचा हा पुरस्कार आहे आणि तो पत्रकारितेशी संबंधित आहे आणि जो शासनाचा असला तरी सुद्धा मी तो बाबासाहेबांच्या नावाचा आहे आणि पत्रकारितेशी संबंधित आहे म्हणून तो मी आज अतिशय आनंदाने हा पुरस्कार स्वीकारतो. आणि त्याबद्दल मी महाराष्ट्र शासन आणि सामाजिक न्याय मंत्री बडोले साहेब आणि त्यांचे सर्व सहकारी आणि या कार्यक्रमाला आमचा सन्मान करणारे जे मान्यवर उपस्थित आहेत त्या सर्वांचा मी आभार मानतो. आणि फक्त की बाबासाहेबांची जी काही पत्रकारिता आहे, मुकनायक खूप चांगली भाषण इथे झाली, पत्रकारिता कशासाठी असायला पाहिजे, पत्रकारितेनं पत्रकारांनी व्यवस्थेला प्रश्न विचारले पाहिजे. लोकांचे प्रश्न आहे ते समाजासमोर मांडले पाहिजेत, सरकारसमोर मांडले पाहिजेत. आणि त्याहीपेक्षा मला असं वाटतं की आज जेव्हा आपण लोकशाहीचे 4 स्तंभ म्हणतो त्या 4 स्तंभामधला एक मीडिया किंवा वृत्तपत्र हे आपण 4th स्तंभ मानतो तर त्या 4th स्तंभाच्या त्या 4th स्तंभाचा नेमका आधार काय आहे, त्या 4th स्तंभाचा आधार अजून निश्चित झालेला नाही. आणि तो 4th स्तंभाचा आधार माझ्या मते आहे तो आहे भारतीय राज्यघटना संविधान. म्हणजे आम्ही एखादं लेखन करतो, आम्ही एखादी रिपोर्टिंग करतो त्यावेळेला आमच्यासमोर एखादं न्यायालय, उदाहरणार्थ गेल्या 2 आठवड्यापूर्वीच एक मुंबईतल्या महाराष्ट्रातल्या डान्स बार संबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. डान्स बार संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने घेतलेली भूमिका त्याच्या विरोधात तो निर्णय होता, तो निर्णय विरोधात होता पण त्या तो निर्णय विरोधात जो दिला त्याचा आधार त्या न्यायालयानं घटनेतल्या काही कलमांचा, घटनेतल्या काही तरतुदींचा आधार घेतला होता. म्हणजे न्यायालय निर्णय देते त्याला त्याचा आधार घटना असते, कार्यकारी मंडळ मंत्रिमंडळ एखादा निर्णय घेतला त्याला आधार घटना असते, विधिमंडळ किंवा पार्लमेंट साठी त्याला आधार घटना असते. मग या लोकशाहीच्या 4th स्तंभाचा आधार काय, लोकशाहीच्या 4th स्तंभाचा आधार हा जर घटना असेल तर त्या घटनेप्रमाणे लोकशाहीच्या 4th आधारस्तंभ आज चालू आहे का किंवा तो कार्य करतोय का याचं आत्मपरीक्षण करण्याची गरज नाही. आणि माझ्या मते तो 99% करत नाही, 1% फक्त करतो. फक्त माझ्या मनोगताचाच भाग म्हणून किंवा मला जे काय जी पत्रकारिता मला अभिप्रेत आहे किंवा बाबासाहेबांना जी पत्रकारिता अभिप्रेत होती आज किंवा काल, आज कालचं जे वातावरण होतं किंवा आजचं जे वातावरण आहे त्या संदर्भात एका बातमीचाच फक्त मी उल्लेख करून मी माझं मनोगत संपवलं. 2013 साली
इंडियन एक्सप्रेसमध्ये एक बातमी प्रसिद्ध झाली आणि वस्तुस्थिती किंवा ती हकीकत एक खरी घटना वस्तू खरी घटना ती घडलेली होती आणि ती घटना होती तामिळनाडूमधली. तामिळनाडूमध्ये एका रेल्वे स्टेशनच्या बाजूला एक छोटंसं शहर होतं आणि त्या आहे आणि त्या शहरामध्ये त्या रेल्वेच्या पटरीवरती कचरा वेचण्याचं काम एक बाई करत नेहमी करायची, अनेक वर्षापासून करायची. एक दिवस कचरा वेचणाऱ्या पटरीवर रेल्वेच्या पटरीवर कचरा वेचणारी बाईला काही अंतरावर दुसरी एक बाई त्या रेल्वेच्या पटरीवर उभी असलेली दिसली आणि मग तिच्या मनात शंका येऊन गेली की रेल्वे यायची तर वेळ, कारण ती रोजच त्या पटरीवरती कचरा वेचत असल्यामुळं त्या बाईला ट्रेन किंवा ती रेल्वे येण्याच्या वेळा तोंडपाठ होत्या. आणि मग त्या बाईला, त्या कचरा वेचणाऱ्या बाईला शंका आली की ती बाई आत्महत्या करायला आली असावी. आणि मग ती बाई धावत धावत त्या बाईच्या जवळ गेली आणि तिला विचारलं की तू इथं का उभी राहिलीस. तर मग ती रडायला लागली बाई आणि मग त्या पत्रीच्या बाजूला घेऊन त्या कचरा वेचणाऱ्या बाईनं तिचं काय नेमकं दुःख आहे ते जाणून घेतलं, विचारलं तिला. तर मग त्या आत्महत्या करायला आलेल्या बाईनं तिची कहाणी सांगितली, तिची दुःखद कहाणी सांगितली की 6 महिन्यापूर्वी तिचा नवरा वाढलेला होता, तिला मुलबाळ नव्हतं, घरात सासू सासरे होते, नंदा होत्या आणि नवरा मेल्यामुळं तिला आधार नव्हता आणि घरातली सगळी माणसं, सासरची सगळी माणसं तिचा छळ करत होते. आणि अशा परिस्थितीमध्ये नवरा मेलेला आहे, मुलबाळ नाही आहे, घरचं घरी कोण, माझ्या माहेरी कोण नाही आहे, तर मी जगून काय करायचं, तर म्हणून मी इथं आत्महत्या करायला आली. त्या कचरा वेचणाऱ्या बाईनं तिची समजूत काढली आणि आपल्या घरी घेऊन गेली आणि ती म्हणाली ठीक आहे, तू तुझ्या सासरीच्या घरी राहू नकोस, तू माझ्या घरी राहा, पण आत्महत्या करू नकोस, तू जन्माला आले जग, संघर्ष कर, यापुढे तुला जगता येईल आणि आपण दोघी बरोबर जगूया. आणि ती बाई जी आत्महत्या करायला आली होती आणि जी कचरा वेचणारी बाई, या दोघी ज्या दिवशी बातमी प्रसिद्ध झाली होती इंडियन एक्सप्रेसमध्ये, त्या दिवशी त्या 10 वर्ष त्या एका घरामध्ये राहत होत्या. कचरा वेचणारी बाई मुसलमान होती आणि आत्महत्या करायला गेलेली बाई जिला त्या कचरा वेचणाऱ्या बाईनं वाचवलं, ती बाई ब्राह्मण समाजाची होती. ही बातमी आहे. ह्या बातमीनं काय सांगितलं त्या बातमीदारानं? या बातमीदारानं सांगितलं, फक्त बातमीदारानं त्या बातमीवर कुठेही भाष्य केलेलं नाही, परंतु त्या बातमीत एक संदेश दिला की माणसापेक्षा या जगात दुसरं काहीही मोठं नाही, धर्म मोठा नाही, जात मोठी नाही, किंबहुना देशसुद्धा मोठा असू शकत नाही माणसापुढे. कधी कधी तिला फक्त त्याच्यातली माणुसकी बघावी लागते. कचरा वेचणाऱ्या बाईनं आत्महत्या करायला बाईची कोण आहेत, कोणत्या जातीची आहे ते बघितलं नाही, फक्त ते कोणतरी अडचणीत आहे, ते संकटात आहे, तिला मदत देण्याचा प्रयत्न त्या बाईनं केला. आणि जी बाई आपल्या मदतीला धावलेली आहे, त्या धावलेल्या बाईचा त्या आत्महत्या करायला गेलेल्या बाईनं तिची जात निश्चय धर्म विचारला नाही, तिला वाटलं तिच्यातले तिनं मुसलमान बाईनं ब्राह्मण बाईमधलं दुःखच जाणलं आणि ब्राह्मण जी स्त्री होती तिनं आपल्या मदतीला आलेल्या त्या कचरा वेचणाऱ्या मुसलमान बाईची बाईच्या मनातली हृदयातली माणुसकी पाहिली. मला असं वाटतं की ह्याच्या पलीकडे जाऊन जात धर्म भाषा प्रांत आणि देशाच्या सीमासुद्धा पार करून जेव्हा आपण विचार करतो, माणूस म्हणून विचार करतो आणि माणुसकीची जेव्हा पत्रकारिता सुरू होईल तीच खऱ्या अर्थानं बाबासाहेबांची पत्रकारिता असेल. एवढं बोलून मी माझं मनोगत थांबतो. यानंतरचा दुसरा पुरस्कार आजच्या कार्यक्रमातला अतिशय महत्त्वाचा असा दुसरा पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडियामधला जातोय Zee 24 तासचे संपादक माननीय श्री विजय कुवळेकर यांना. आपण बघूया त्यांच्याबद्दलची ही छोटीशी चित्रफीत. रत्नागिरी जिले के वनगुले गांव में जन्मे विजय विश्वनाथ कुवळेकर ने बीते 40 वर्षों की निर्भीक और उल्लेखनीय पत्रकारिता के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई है. वे बतौर मुख्य संपादक जी 24 तास और जी मराठी दिशा का नेतृत्व कर रहे हैं.
1971 में पुढ़ारी समाचार पत्र से बतौर प्रशिक्षु अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत करने वाले कुमलेकर ने अपनी 40 वर्षों की इस यात्रा में केसरी, लोकमत, लोकसत्ता, सकाल जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में मुख्य संपादक और समूह संपादक जैसे बड़ी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और इन समाचार पत्रों को नए शिखर पर ले जाने पर अपना अहम योगदान दिया। इसके अलावा वर्ष 2007 से 2012 तक राज्य सूचना आयुक्त पुणे खंडपीठ की जिम्मेदारी संभालने वाले कुमलेकर ने कुछ समय के लिए मुख्य सूचना आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार भी बखूबी उठाया। पत्रकारिता के साथ ही उनका साहित्य और कविता से भी अटूट नाता है। इसके अलावा पुले देश पांडे के अमृत महोत्सव ग्रंथ, आचार्य अत्रे की जन्म शताब्दी जैसे ग्रंथों के संपादन का कार्य भी बखूबी पूरा किया। वे कुरुक्षेत्र, कथा तिच्या लग्नाची, आवाहन, पटकथा संवाद गीत, आनंदाज झाड, साच्य आत घरात जैसे कई फिल्मों की पटकथा और गीत लिख चुके हैं। अपनी इसी कुशल और प्रभावी कार्यशैली और पत्रकारिता क्षेत्र में दिए गए योगदान के कारण उन्हें पूर्व में पुढ़ारीकार लोकमान्य तिलक पत्रकारिता जीवन गौरव पुरस्कार, नरभाव लिम्बे पत्रकारिता जीवन गौरव पुरस्कार, आचार्य अत्रे पुरस्कार, नवी मुंबई पत्रकार संघ जीवन गौरव पुरस्कार जैसे ढेरों पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण सन्मानपूर्वक आमंत्रित करूया आदरणीय विजय कुंभळेकर यांना आणि मान्यवरांना विनंती करते त्यांना सन्मानित करावं। 1,00,000 रुपये रोज रोख सन्मानचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ, शाल आणि श्रीफळ असं या पुरस्काराचं स्वरूप आहे। मूक नायक पुरस्कार। विजयजी कुवळेकर 28व्या वर्षी संपादक झाले। पत्रकारितात सर्वाधिक काळ संपादक राहिले। पत्रकारितेत संपादकाचा अंतिम शब्द असतो हे कुवळेकर यांनी दाखवून दिलं। कुवळेकर यांनी पत्रकारितेतून विधायक आणि रचनात्मक काम केलं। समाजाच्या व्यथा मांडत पत्रकारितात महाराष्ट्रामध्ये फिरण्यास त्यांनी मुभा सुद्धा दिली। उत्तम कांबळे, राजीव खांडेकर, संजय आवटे, विनायक फागुणकर यांच्यासह किमान 30-35 संपादकांना विजय कुवळेकर यांनी लवलेलं आहे। सध्या ते झी 24 तास वृत्तवाहिनीमध्ये मुख्य संपादक आहेत आणि सकारात्मक बातम्यांची सुरुवात विजयजी यांनी केलेली आहे। मी विजयजींना विनंती करते त्यांनी आपल्या भावना या प्रसंगी व्यक्त कराव्या। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना विनम्र वंदन करून मी माझ्या भाषणाला सुरुवात करतो। माननीय सुरेशजी प्रभू, माननीय थावरचंदजी गहलोत, माननीय रामदासजी आठवले, हंसराजजी अहिर, ज्यांच्या प्रेरणेने हे सगळं घडतं आहे ते आम्हा सर्वांचे स्नेही राजकुमारजी बडवले, भाई गिरकर, रामसुतार, सुलेखाताई, व्यासपीठावरील अन्य मान्यवर आणि मित्र हो। ज्या योगायोगाचा मगाशी मधु कांबळे उल्लेख करताना थांबले कारण पुढचं जाहीर केलं जाईल असं त्यांना वाटत होतं, तो योगायोग असा की आम्ही एकेकाळी सहकारी होतो, मी सकाळमध्ये संपादक होतो, त्यावेळेला ते बातमीदार होते। ते म्हणतात तुम्ही हायकमांड होतात, मी कधी हायकमांड मानलं नाही कारण हायकमांडचं काय होतं हे मला माहीत आहे। पण मला आनंद असा आहे की आपल्या एका सहकार्याबरोबर आपल्याला पुरस्कार मिळणं म्हणजे सहकारी। मुलगा जेव्हा वडिलांच्या बरोबरीला येतो तेव्हा वडिलांना जो आनंद होतो तो आनंद मधून मला आहे आणि याच्यात माझं काही नाही, त्यांच्यामध्ये जे होतं म्हणून ते मोठे झाले, कोणामुळे दुसरा माणूस मोठा होत नसतो। आज खरोखर किती धन्यवाद द्यावेत आपल्याला की मूक नायक या वृत्तपत्राच्या शताब्दीचं स्मरण आपण ठेवलेलं आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बद्दल किती पैलू सांगावे, मगापासून अनेक गोष्टींचा उल्लेख झाला पण त्यांचं अर्थशास्त्र हे आजही विशेषत्वानं आज लक्षात घ्यायला पाहिजे अशी परिस्थिती आहे।
दुसरा महत्त्वाचा ग्रंथ पाकिस्तान विषयीचं त्यांचं जे चिंतन आहे ते आजही देशाला मार्गदर्शक आहे. हे 50 वर्षांपूर्वीचं चिंतन आहे. इथे दृष्टे पण दिसतं की 50 वर्षानंतरही विचार ताजा असतो आणि मार्गदर्शक असतो. माझ्या पत्रकारितेबद्दल मी बोलणार नाही फारसं. याचं कारण असं, मला जे शक्य होतं ते मी करत आलो. मला माणूस सगळ्यात महत्त्वाचा वाटला आणि 1981 साली मी पाण्याचा प्रश्न मांडायला सुरुवात केली की पाण्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष दिलं पाहिजे, ग्रामीण भागातल्या अन्यायाकडे लक्ष दिलं पाहिजे, अत्याचारांकडे लक्ष दिलं पाहिजे, भ्रूण हत्येचा प्रश्न, स्त्रियांची स्त्री संतती टाळली जाते आहे, हे घातक आहे, हे मी 30 वर्षापूर्वी मांडत आलो. त्याचा मला आनंद आहे. त्याचं कारण, शेवटी माणूस हा सगळ्यात महत्त्वाचा असतो आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी पिचलेला दबलेला माणूस उभा करण्याचं काम केलं. त्यांचं जर आपण लेखन वाचलं, मी आता मुद्दा मूकनायकच्या संदर्भामधलं मूकनायक का काढलं आपण हे जे त्यांनी लिहिलं त्याच्यात त्यांनी असं म्हटलं होतं की आमच्या या बहिष्कृत लोकांवर होत असलेल्या व पुढे होणाऱ्या अन्यायावर उपाय सुचवण्यासाठी तसंच त्यांची भावी उन्नती व तिचे मार्ग यांच्या खऱ्या स्वरूपाची चर्चा होण्यासाठी वर्तमानपत्रासारखी अन्य भूमी नाही. हे आजही लागू आहे. वर्तमानपत्रांसारखी अन्य भूमी नाही असं ते म्हणाले. आणि ते करत असताना त्यांनी तुकाराम महाराजांचे अभंग उद्धृत केले. काय करू आता धरुनी या भीड, निशंक हे तोंड वाजविले, नवे जुगी कोणी मुखियांचा जाण, सार्थक लाजून नवे हित. असं तुकाराम महाराजांचा उल्लेख केला. बहिष्कृत भारत 3 एप्रिल 1927 सुरू केलं. त्यावेळेला ज्ञानेश्वरांच्या ज्ञानेश्वरीतल्या काही ओव्या उद्धृत केल्या आणि जेव्हा श्रीकृष्णानं पार्थाला सांगितलं की तू लढायला उभा राहा, त्या ओव्या सांगून त्यांनी सांगितलं सामान्य माणसाला आणि दलित दबल्या समाजाला की तुम्ही असे लढायला उभे राहा आणि कुठाचीही पर्वा न करता लढला तरच तुम्ही खऱ्या अर्थानं मोठे होऊ शकता. या प्रकारचं व्यक्तिमत्व सर्व समाज जीवनाचं एकही अंग असं नाही जिथे त्यांचा विचार आपल्याला प्रेरक आणि मार्गदर्शक नाही. एकही अंग नाही. त्यांचं व्यक्तिमत्व मऊ मेणाहुनी आम्ही विष्णुदास, कठीण वज्रास भेदू ऐसे असं तुकाराम महाराजांनी म्हटलं तसं व्यक्तिमत्व. याच्यातलं एका लेखामध्ये म्हणजे त्यांच्यातलं मऊ मेणाहून अगदी मृदुत्वही होतं आणि अत्यंत कठोर ठामपणही होतं. त्यांच्यातलं जे मृदूपण आहे ते त्यांच्या एका लेखामध्ये दिसतं. लोकजागृतीसाठी आपण संपूर्ण आयुष्य अर्पण केलं हे सांगताना त्यांनी वेगवेगळ्या संदर्भात वकील झालो काय केलं असं करत करत ते म्हणाले की मला शक्य तेवढा स्वार्थत्याग मी केला पण त्यात मी काही विशेष केलं असं नाही. पण हे वाक्य फार महत्त्वाचं आहे. हे वाक्य, एक वाक्य जरी आपण लक्षात घेतलं तरी या महामानवानं काय सहन केलं असेल आणि काय त्याग केला असेल आपल्या लक्षात येईल. त्यांचं वाक्य असं आहे, आपल्या प्रकृतीकडे, सुखाकडे, चैनीकडे व ऐषारामाकडे न पाहता डोळ्याच्या वाती केल्या. डोळ्याच्या वाती केल्या हे डोळ्यात पाणी आणणार वाक्य आहे. आयुष्य संबंध आयुष्याचा होम करणं, लोकांसाठी यज्ञ करणं हे डोळ्याच्या वाती केले आहे. अशा प्रकारचे बाबासाहेबांची 314 पत्रं शांताबाई गायकवाडांकडे होती, शांताबाई दाणींकडे होती, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाडांना लिहिलेली. बाबासाहेबांच्या जन्मशताब्दीच्या वेळेला कुसुमाग्रजांच्या माध्यमातून ती पत्रं माझ्याकडे दिली गेली आणि कल्पना अशी होती की एक उत्तम ग्रंथ तयार करावा. त्याचं पुढे काय झालं याच्यात मी पडत नाही कारण ती पत्रं नंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी गेली. पण त्या पत्रामध्ये एक तार होती. त्या तारेचा फक्त मी यासाठी उल्लेख करतो म्हणजे हे जे त्यांनी म्हटलंय की मी सगळं समाजासाठी वाहिलंय किती होतं, किती बारकाईनं होतं हे आपल्या लक्षात येईल. त्याच्यामध्ये
दादासाहेबांना लिहिलेली एक तार होती, बाबासाहेब कुठेतरी जाणार होते आणि एका स्टेशनवरती 7 मिनिटं रेल्वे गाडी थांबणार होती. तर दादासाहेबांनी कळवलं होतं जेवणाची वेळ आहे, मी जेवण घेऊन येतो. बाबासाहेबांनी कळवलं की जेवणासाठी माझ्या मला फक्त सँडविच आणा, ते गाडी सुटल्यावर मी खाईन, म्हणजे तो वेळ खाण्यात जायला नको. आणि या 7 मिनिटातली 2 मिनिटं आमक्या संस्थेनं मागितलेली आहेत तिला द्या, 2 मिनिटं दुसऱ्या संस्थेला द्या, 2 मिनिटं आणखीन एका संस्थेला द्या आणि शेवटच्या 1 मिनिटात तुम्ही आणि मी जे बोलायचं ते बोलू. हा 7 मिनिटांचा हिशेब विचार करा, 1-1 मिनिटाचा हिशेब हा माणूस समाजासाठी मांडणारे हे महामानव, आणि आपण वेळाचं काय करतो आहोत? आपण समाजाचा विचार हा करतो आहोत का? मी म्हटलं माणसाची पत्रकारिता. मी एक छोटं उदाहरण सांगतो. कोल्हापूरला मी काम करत होतो, बिंदू चौक नावाचं कोल्हापूरात एक मोठं सभास्थान आहे, तिथे मोठमोठ्या नेत्यांच्या सभा होतात. एका दिवशी तिथे एक बातमी आढळली. काय बातमी होती? की एका बाजूला एका मोठ्या नेत्याची सभा चाललेली होती आणि त्या सभेच्या व्यासपीठाच्या खालच्या बाजूला कष्टानं काम करणाऱ्या एका ठिकाण एका घरातला माणूस मरून पडलेला होता, मेलेला होता. इकडे आश्वासनांचे महापूर चाललेले होते आणि तिकडे एका गरीबाच्या मृत्यूकडे कोणाचंच लक्ष नव्हतं. आम्ही बातमी दिली, आश्वासनांच्या महापुरात सामान्याचा मृत्यू. या प्रकारची मी अशी शेकडो उदाहरणं सांगू शकेन, पण त्या उदाहरणांना महत्त्व नाही, ही दृष्टी आहे. आणि मूकनायकचं वैशिष्ट्य काय आहे, मला 2-3 प्रकारची फोड वाटते त्याची. की जो मूक आहे पण तो खरा नायक आहे, तो बोलत नाही पण तो खरा नायक आहे. त्याला त्याच्यातल्या नायकत्वाची जाणीव करून देण्याची गरज आहे. म्हणून बाबासाहेबांनी मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता, प्रबुद्ध भारत अशी वृत्तपत्रं सुरू केली. आजही दुर्दैवानं आम्ही बोलणाऱ्यांचंच जास्त छापतो किंवा जास्त दाखवतो. मी कोणाला उद्देशून म्हणत नाही, पण तुम्ही पहा, न बोलणारा ज्याची व्यथा आहे त्याचा आम्ही काहीच मांडत नाही, काही दाखवत नाही, काही सांगत नाही, त्याच्याकडे दुर्लक्ष आहे. बदललेल्या अर्थकारणामध्ये सामान्य माणूस, दबलेला माणूस, पिचलेला माणूस हा नावापुरता माध्यमांमध्ये राहिलेला आहे, तो बाजूला गेलेला आहे. पूर्वी मला आठवतं एखाद्या केशकर्तनालयामध्ये होणारी सत्यनारायणाच्या पूजेची सुद्धा बातमी असायची किंवा छोटी जाहिरात असायची. आज मला हा माणूस वृत्तपत्राच्या पानांमध्ये दिसत नाही, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात दिसत नाही. कधी कधी थोडा आपला नमुन्या दाखल तो येतो, पण आजही हा जो खरा न बोलणारा, व्यथेनं पिजलेला हा जो माणूस आहे, त्याची व्यथा, त्याचे प्रश्न, त्याच्या समस्या मांडण्यासाठी पत्रकारांनी काम करणं नितांत गरजेचं आहे. तुम्ही कुठे आहात, काय आहात, मधू पत्रकार पुरस्कार घेण्यामध्ये काही गैर नाही, शासनाच्या समितीत जाण्यातही काही गैर नाही. फक्त आपण शासनाच्या समितीत जाऊन शासनाचे होता कामा नये, आपण आपले राहिलं पाहिजे, हे सगळ्यात महत्त्वाचं असतं. आपण अटल बिहारी वाजपेयींना एकदा विचारलं होतं की तुम्ही कुठल्या बाजूला झुकलेले आहात, म्हणजे रशियाच्या का अमेरिकेच्या, असं विचारलं. अटल बिहारी वाजपेयींनी फार सुंदर उत्तर दिलं होतं. त्यांनी सांगितलं, मी माझ्या जागी ठाम उभा आहे, झुकायचं त्यांनी झुकावं, असा त्याचा सारांश होता. किंवा हे मी माझ्या जागी ठाम उभा आहे ना, हे पत्रकारांनी जर आपल्या वैचारिक भूमिका ठाम ठेवून आणि दबलेल्या पिचलेल्यांचा सामान्यांचा आवाज लक्षात घेऊन केलं तर निश्चितपणानं उत्तम काम करता येईल. आणि त्यासाठी माझी सर्वांना विनंती आहे की तरुण मंडळींनी जास्तीत जास्त वेगवेगळ्या विभागातल्या, वेगवेगळ्या समाजांमधल्या, वेगवेगळ्या प्रांतातल्या तरुणांनी तरुणींनी पत्रकारितेत आलं पाहिजे आणि ठामपणानं उत्तम काम केलं पाहिजे. तो हा आशीर्वाद आहे. आणि पुढचं काम करत रहा आणि या मार्गावरून ढळू नका, असं सांगण्याचं काम या पुरस्कारानं केलेलं आहे. आम्ही ते सदैव स्मरणात ठेवू एवढं सांगतो, सर्वांना धन्यवाद देतो आणि थांबतो. नमस्कार.
अतिशय मोलाचा असा सल्ला इतक्या वर्षाच्या अनुभवातून आदरणीय कुंभळेकरांनी आपल्याला दिलेला आहे, त्यांचे मनापासून आभार. आजच्या कार्यक्रमात विशेषत्वानं उपस्थित असलेले माननीय नामदार सुरेशजी प्रभू अतिशय व्यस्त कामातून वेळ काढत आपल्याकडे आले आहेत. मी त्यांना आधी सन्मानपूर्वक आमंत्रित करते, त्यांना घाईने परत जायचं. नाही, मैं यहाँ बैठे हुए जो सम्मानित लोग हैं उनमें से एक हूँ कि जो पुरस्कार देने वाले हैं, और ना भी मैं वो हूँ कि जो यहाँ बैठे हुए सम्मानित लोग हैं जो पुरस्कार लेने वाले हैं. इसके लिए मेरी स्थिति बहुत ही नाजुक है, क्योंकि मैं ना यहाँ का हूँ ना वहाँ का हूँ. इसलिए मैंने कहा मेरे को जाने की अनुमति दीजिए. हम सबसे पहले हमारे राजकुमार जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और साथ ही मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि अलग अलग सामाजिक प्रश्नों को लेकर हुए आज भी हमारे समाज के पीड़ित लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन उनकी व्यथा, उनकी शिकायतें जब तक औरों तक नहीं पहुंचती तब तक वो कथाएं एक बंद किताब जैसे रह जाती है. और इसलिए हमारे पत्रकार भाई, पत्रकार बहनें ये जो काम करते हैं उनको सम्मानित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इस तरह का पुरस्कार देने की जो योजना बनाई उसके लिए मैं राजकुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. और मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वो बात करने वाले और सही माने में अच्छी बात करने वाले गहलोत जी है, हमारे रामदास जी है, सब लोग आपको अच्छी बात बताएंगे. लेकिन जो बात हमारी कामले जी ने अभी बात बताई, जिसको आप ही ने भी दोहराया कि असली नायक कौन है, एक व्यक्ति जिनकी बात शायद कहने की जरूरत भी नहीं होती. वो जो महिला जिन्होंने दूसरे महिला को बचाया उसका नाम भी शायद किसको पता नहीं होता जब तक वो इंडियन एक्सप्रेस में खबर नहीं छपती, और ना ही वो महिलाओं ने काम किया क्योंकि मेरा नाम छपना चाहिए इसके लिए किया. उसको उसकी उम्मीद भी नहीं थी, ना ही अपेक्षा भी थी. लेकिन ऐसी एक महिला जिन्होंने अपने काम से और लोगों को काम करने के लिए प्रेरित किया, ऐसी महिला कौन है इसका नाम भी पता नहीं है, ना ही शायद उसके मुंह से कोई लफ्ज निकले भी होंगे. यानी वो महिला मुख है. आज भी हमारे देश में हम जब कहते हैं द सफरर्स आर साइलेंट मेजॉरिटी, और जैसे आपने कहा द वोकल्स आर अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, लेकिन उनकी आवाज इतनी बड़ी पैमाने से सुनी जाती है ताकि ऐसे लोगों की आवाज़ दबने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आवाज़ निकलती नहीं है. इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1920 में, यानी आज से 99 ईयर्स पहले ये काम शुरू किया. 31 जनवरी को ही किया, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उसी दिन इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया है. बाबा साहब भी मुक रह सकते थे, मुख रहते पैसा भी कमा सकते थे, बैरिस्टर थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि मैं भी मुख रहूँगा तो मैं शायद नायक बन सकता हूँ और तरीके से, लेकिन मेरी आवाज़ जब तक मैं नहीं उठाऊँगा तब ऐसे जो लोग हैं जो आवाज़ कभी निकल भी नहीं सकते उनको कभी भी उनकी ज़िंदगी अच्छे जीने का मौका नहीं मिलेगा. और यही सोचते हुए उन्होंने बहुत सारे काम किए. इसकी शुरुआत, यानी शुरुआत भी नहीं कह सकते, उसमें से एक योगदान यही रहा कि मूक नायक पत्रकार का जन्म हुआ. मैं समझता हूँ कि हमारे इस सभागृह में जहाँ हम बैठे उसके लिए गहलोत जी, हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, रामदास जी को भी देता हूँ, कि यही हमारी राजधानी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मरण में हम लोगों ने इतनी बड़ी अच्छी एक वास्तु बनाई है. मुझे विश्वास है कि यहाँ पर उनकी आवाज़ गूंजती रहेगी, ऐसी आवाज़
जो औरों तक जाने के लिए कभी परेशानी होती थी, वो आवाज यहाँ से सीधे पार्लियामेंट तक भी पहुंचेगी, यहाँ से राष्ट्रपति भवन तक भी जा सकती है और यहाँ से प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर तक भी जा सकती है। तो इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि और कुछ सालों के बाद हम एक कह सकेंगे कि आज हमारा असली नायक जो बाबा साहब अम्बेडकर को अभिप्रेत था, वो अभी मूक नहीं रहा, वो अभी सिर्फ बोलने की स्थिति में नहीं है, तो शायद आज उसको बोलने की जरूरत भी नहीं है। ये स्थिति आनी चाहिए, जैसे कि पति और पत्नी का ब्याह होता है तो बहुत बातें करते हैं, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ बोलते रहते हैं, कुछ समय ऐसे चला जाता है कि बाद में बात करने की जरूरत ही नहीं होती, साथ में बैठे रहेंगे तो अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बोलना है वो आप दूसरी अपनी पति या पत्नी ऐसे समझ जाते हैं। तो ऐसी भी दिन आनी चाहिए जिस दिन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी को प्रतीत हुआ हुआ नायक, उसको बोलने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि उसकी व्यथा उस समय खत्म हो गई। मुझे लगता है ऐसे दिन आए, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपण वेळात वेळ काढून आलात आणि मुलाचं मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल आपले मनापासून आभार आणि धन्यवाद। आणि यानंतर ज्यांचं भाषण ऐकण्यासाठी आपण नेहमी उत्सुक असता, ते माननीय आमदार श्री रामदासजी आठवले यांना सत्कारपूर्वक आमंत्रित करतो। उपस्थित सभी भाई और बहनों, वक्त काफी हो चुका है, बाहर ठंड भी ज्यादा है और भी हमारे धवल चंद के रोज जी बोलने वाले हैं। ये प्रोग्राम हमारे राजकुमार बड़ोली जी ने दिल्ली में रखा, मुंबई में रखना चाहिए था लेकिन मुंबई में हमेशा प्रोग्राम होते रहते हैं। तो मूक नायक ये जो पाक्षिक 15 दिन में एक बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 31 जनवरी 1920 को शुरू किया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सयाजी महाराज गायकवाड़ जी के यहाँ बड़ौदा में नौकरी की और वहाँ उनको ऐसा अनुभव आया कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी मेरा अपमान हो रहा है जाति के नाम पर, और इसीलिए मुझे अभी घर से बाहर निकलना होगा। जो वडोदरा में सयाजी बाग है वहाँ एक पेड़ के नीचे जाकर बाबा साहब अम्बेडकर रोए और उन्होंने तय किया कि मुझे मेरे समाज के लिए काम करना होगा। मेरा समाज गांव के बाहर रहने वाला समाज है, मेरा समाज मूक समाज है, ये मूक समाज को नायक की जरूरी है और मैं नौकरी करते बैठूंगा तो फिर ये मूक समाज को कोई नायक मिलेगा नहीं, और मुझे मेरे फैमिली का विचार ना करके समाज का विचार करने के लिए मुझे अभी काम करना होगा। और उन्होंने पत्रकारिता शुरू की। बाबा साहब अम्बेडकर तो थे अच्छे पत्रकार, बाबा साहब अम्बेडकर जी तो थे अच्छे पत्रकार, वो थे दलित मुक्ति के चित्रकार। उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया लेकिन वो संघर्ष करते करते बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कभी हिंसा की बात नहीं की, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शांति की बात की, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने युद्ध की बात नहीं की, बाबा साहब ने बुद्ध की बात की। और बाबा साहब अम्बेडकर जी अगर युद्ध की बात करते थे तो बहुत बड़ा गजब हो जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे समाज को शांति की दिशा दिखाई, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें अहिंसा दिखाई, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें समता दिखाई, समानता दिखाई, और जोड़ने का काम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें सिखाया। हमेशा विवाद मत करो, दुश्मन अपने आंग पर लेने का काम मत करो, दुश्मन के आंग पर जाओ लेकिन उनको अपने आंग पर मत ले लो।
और वो विचारधारा से आप उनके अंग पर जाइए, वहाँ वो फिजिकली अटैक करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पत्रकारिता शुरू की, मूक नायक, जनता, बहिष्कृत भारत। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। और बाबा साहब अम्बेडकर जी बहुत ही अच्छे पत्रकार के रूप में काम करते रहे। तो आज ये समारोह राजकुमार बड़ोली जी ने सामाजिक न्याय मंत्रालय की तरफ से आज यहाँ दिल्ली में रखा है। ये जगह जो है जगह डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन की जगह बहुत सालों से पड़ी थी। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब गहलोत साहब उनको जाकर मिले, मैं भी उनको मिलता रहा। इसका डेवलपमेंट होना चाहिए, इसके लिए पैसा मिलना चाहिए। और मोदी जी ने बोला कि पैसा कुछ कम नहीं है, तुम जितना मांगो उतना पैसा मैं दे दूंगा। और यहाँ 200 करोड़ रुपए 197 करोड़ रुपए यहाँ का खर्चा हुए। 26 अलीपुर रोड जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का वहाँ पर निर्वाण हुआ था, जहाँ बाबा साहब ने संविधान लिखा था, तो संविधान के आकार का 100 करोड़ का वहाँ भी मेमोरियल हो गया। तो आज जनपद रोड पर उधर बाजू में मेरिडियन होटल है, इसके पीछे शास्त्री भवन है, वहाँ गहलोत जी बैठते हैं, मैं बैठता हूँ, बहुत सारे मंत्री बैठते हैं और बहुत ही अच्छा सेंटर यहाँ बन गया है। तो आज एक अच्छी बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कुछ बहुत बड़ा काम किया है उनके नाम पर जो पत्रकारिता का जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार आज यहाँ हमारे विजय कोलेकर जी है, हमारे मित्र हैं, सकाल में काम किया है। वो सकाल में काम करते थे लेकिन मैं दोपहर को उनके पास जाता था। हमारी न्यूज छपनी चाहिए, इसीलिए मैं पहले जब मैं दलित कांतर ऑफ इंडिया में काम करता था तो मैं हाथ से न्यूज लिखता था और मैं वहाँ जाकर एडिटर को मिलता था, पत्रकार को मिलता था, मेरी न्यूज छपनी चाहिए। और मेरे पीछे 10-15 लोग रहते थे और मैं उनको बोलता था कि मेरी न्यूज छपनी चाहिए, तो 10-15 लोगों को देख कर ही बोलते थे कि न्यूज छपेगी। न्यूज़ आपने छपाई, मतलब मेरे जैसा एक आम हॉस्टल में रहने वाला कार्यकर्ता मैं मंत्री पद तक पहुंचा हूं, इसका कारण मधु कामली जी हमारे हैं। मधु कामली जी हमारे बारे में अच्छा भी लिखते हैं, कभी कभी ठीक भी नहीं लिखते हैं, लेकिन लिखते ये बात बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है। मधु कामली है कि जो कोई बड़ा आदमी होता है उनके ऊपर टीका टिप्पणी हो या मतलब कभी अच्छा लिखना हो या बुरा लिखना हो, जो भी लिखना हो आप कुछ भी लिखो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में अच्छा लिखूंगा। ठीक बात है, ये पत्रकार हमारे सब है, हमारे दूसरी योगिता साल्वी जी है, गोविंद तुपे भी हमारा अच्छा मित्र है, उनकी बॉडी अभी स्ट्रांग हो गई है और अभी अवार्ड मिलने के बाद और भी अच्छी हो जाएगी। तो वो भी यहाँ मौजूद है। हमारी सूर्यकांता कुमारी जी है, इन्होंने ड्रैगन पैलेस बहुत ही बड़ा कामठी में वहाँ खड़ा किया है और वो बहुत बड़ा काम वो भी कर रही है। वो माइनॉरिटी में, वो माइनॉरिटी कमीशन में मेंबर है और मुझे भी मंत्री बनने का मौका मिला है और उनको भी मतलब यहाँ मोदी जी के कारण, गडकरी जी के कारण उनको भी मतलब राज्य मंत्री पद का दर्जा मिला है। राजकुमार बड़ोली जी को भी राज्य में कैबिनेट मंत्री पद का दर्जा मिला है। और तुझे कह रहा है, बोल रही थी कि ये लंदन पहुंचेगा, मुझे मालूम नहीं था। ये तो आदमी बहुत सीधा सा था, दिख रहा था, लेकिन लंदन ही तो पहुँच रहा। तो बाबा साहब का मकान वहाँ मैं अभी 4-5 दिन में पहले था, वहाँ मैं जाकर मैं आया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब अम्बेडकर जो पढ़ते थे तब वहाँ मतलब वो जिस मकान में रहते थे वो मकान 41 करोड़ रुपये में महाराष्ट्र सरकार ने खरीद लिया है। तो वो भी काम यहाँ किया है। हमारे हंसराज आहिर जी यहाँ है, चंद्रपुर से है, यहाँ हमारी रिपब्लिकन पार्टी बहुत स्ट्रांग रही है चंद्रपुर में, उसी चंद्रपुर के हंसराज आहिर जी हैं और हंसराज हमारे साथ है, डरने की क्या बात है। और ये
होम मिनिस्टर है, मतलब किसको भी अरेस्ट करना है तो बताओ, किसको छोड़ना है तो बताओ। होम मिनिस्टर हमारे साथ है, हमारे महात्मा जी है, हमारे धनगर समाज के है, वो मेमोरा पार्लियामेंट है, हमारे जवान जी है, वो भी हमारे मेमोरा पार्लियामेंट है। तो आप सब लोग जो है आज यहाँ आए हैं, और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, ये लोग साहब को भी बोलना है, और आप लोग बहुत देर से आप लोग यहाँ आए हैं, और यहाँ मूक नायक नाम से जो पुरस्कार दे दिया गया है पत्रकारिता का, एक बहुत ही बड़ा अच्छा मतलब आपने निर्णय ले लिया। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ये प्रोग्राम यहाँ करने का विचार यार बड़ोल जी ने किया, ये बात बहुत अच्छी है। और आज 31 जनवरी है, और कल 1 फरवरी आएगा, उसके बाद मार्च महीना आएगा, अप्रैल में हमारी मैच शुरू होने वाली है, और हमारा प्रैक्टिस बहुत जोरदार कर रहा है, मतलब इतना हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आज मैंने नरेंद्र मोदी साहब को बताया है कि तुम चिंता मत करो, जितना रन चाहिए उतना रन देने के लिए मैं तैयार हूँ, मेरा बैटिंग बहुत अच्छा है। और उन्होंने बोला है भाई तुम्हारा बैटिंग अच्छा है मुझे मालूम है, लेकिन तुम फील्डिंग भी अच्छा करो। उन्होंने बोला मैं क्या फील्डिंग करूँ, उन्होंने बोला है कि जब राहुल गांधी खेलने के लिए आएंगे उनका कैच पकड़ने का काम करेंगे। तो ठीक है, तो आज यहाँ ये सब अच्छा प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, कि सब लोग यहाँ आज मौजूद है, और सब आप संघर्ष करो, सब आप संघर्ष करो। अरे मैं तो संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन तू संघर्ष कब करेगा? मैं तो संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन तू संघर्ष कब करेगा? मैं तो दुश्मन के साथ लड़ रहा हूँ, तू कब लड़ेगा? और आज यहाँ हमारे श्याम कपूर जी है, दिनेश वाघमारे है, कैलाश कंसे जी है, सिद्धार्थ गायकवाड़ जी है, उसके साथ साथ आज यहाँ हमारे के जी सुरेश जी है, और बहुत सारे मान्यवर यहाँ मौजूद है। तो मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं फिर एक बार आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि पटोले साहब आपने ये प्रोग्राम यहाँ रखा है अम्बेडकर सेंटर में, और मूक नायक के पुरस्कार पुरस्कार जो है ये 4 लोगों को देने का निर्णय आपने ले लिया है। और पुरस्कार कितने का है, कि पैसा कितना है? 1 लाख है, लेकिन और गाड़ी कौन सा हो? तो ठीक है, तो 1 लाख का पुरस्कार अच्छी बात है, कि मतलब 1 लाख का विषय नहीं है, लेकिन 1 लाख से भी मतलब मूक नायक नाम से बाबा साहब के नाम से पुरस्कार मिलना ये बहुत बड़ा काम है, और आप लोगों ने पत्रकारिता में बहुत बड़ा काम किया है, इसीलिए आपका नाम यहाँ आया है, और इसीलिए मतलब आप लोगों को पुरस्कार मिला है, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, और हम आपके साथ है, इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपकी हमारी सरकार आपके साथ है, तुम हमारे साथ है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम आपके साथ है, इतना ही बताते हुए मैं मेरे दोस्तों को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। मनापासून धन्यवाद आठवले साहेब। कार्यक्रमाला पुढे नेण्यापूर्वी आज एक अतिशय सन्माननीय व्यक्ती या इथे उपस्थित आहेत, त्यांचा आपण जोरदार टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करूया। आदरणीय शंकरबाबा पापडकर यांना मी मंचावर आमंत्रित करते, शंकरबाबांना मी विनंती करते त्यांनी मंचावर यावं, आणि माननीय बडोले साहेबांना विनंती करते त्यांनी त्यांचा सन्मान करावा। सामाजिक न्याय विभागाच्या क्षेत्रामध्ये समाजामध्ये प्रचंड काम करणारे शंकरबाबा पापडकर विशेष मुलांसाठी काम करतात, अनेक मुलांचे ते बाबा झाले आहेत, अनेक मुला मुलींचे बाबा झाले आहेत, आणि त्यांच्या अस्तित्वासाठी ते झटतायत। शंकरबाबांचं काम खूप मोठं आहे, आज ते विशेषत्वानं या कार्यक्रमात उपस्थित राहिले, त्यांचं स्वागत करतो आणि त्यांचा आपण सत्कार करूया। शंकरबाबांचं काम म्हणजे 18 वर्षाच्या वरील ज्या गतिबंध मुली असतात, किंवा ज्यांचं कुणीच नसतं, अशा रस्त्यावरच्या मतिमंद मुलींना एकत्रित आणून बाबा त्यांना पोरींसारख्या करतात आणि त्यांचे लग्न लावतात, त्यांना मोठं करतात, त्यांचं काम खरंच फार मोठं आहे।
कविवर्य बाभळ बोरकर म्हणतात, देखणे ते हात ज्यांना निर्मितीचे डोहळे, मंगलाने गंधलेले सुंदराचे सोहळे, असे हात देखणे असतात जे हात इतरांची सेवा करतात. मनापासून धन्यवाद. आणि यानंतर इथे सन्मानपूर्वक आमंत्रित करते माननीय आमदार श्री थावरचंदजी गेहलोत यांना, विनंती करते त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन करावे. आज के इस समारोह में मंच पर विराजमान आदरणीय रामदास आठवले जी, आदरणीय राजकुमार जी बड़ोले साहब, आदरणीय हंसराज जी अहिर साहब, भाई गिरकर जी, सुरेखाताई जी, मंचस्थ अन्य सभी अतिथिगण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि राजकुमार जी बड़ोले साहब आज इस अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में इस प्रकार का आयोजन करने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं. मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ. उनको एक बात के लिए और भी बधाई देता हूँ कि वो भाग्यशाली हैं कि अंबेडकर साहब से संबंधित जो भी यादगार स्थान है उनको मेमोरियल के रूप में विकसित करने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं. चैत्य भूमि भी है, दीक्षा भूमि भी है, और विशेषकर लंदन वाली जो बिल्डिंग है, इन तीनों स्थानों को उन्होंने विकसित करने का ऐतिहासिक काम किया है, वो बधाई के पात्र हैं. मैंने भी लंदन के उस भवन को भारत सरकार की तरफ से खरीदने का प्रयास किया था, पर चूंकि भारत सरकार में विदेश मंत्रालय से संबंधित और फाइनेंस मंत्रालय से संबंधित मंत्रालयों में वो फाइल जाती है, मैंने फाइल चलाई. यहाँ तो इन दोनों तीनों जगह जाने आने में उसको समय लगा, और वहाँ उन्होंने देवेंद्र फडणवीस साहब से बात बात किया, फटाफट सैंक्शन हुए, और बाद में मेरे पास सूचना आई कि आप इसमें रुचि लेना बंद कर दो. तो मुझे नितिन गडकरी जी ने और सुषमा स्वराज जी ने कहा कि गहलोत जी, महाराष्ट्र की सरकार इसको ले रही है, एक ही बात है. मैंने उनको कोशिश की कि वो राष्ट्रीय स्मारक बनेगा, लंदन में है, इसलिए भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, पर उन्होंने कहा नहीं नहीं, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार में कोई फर्क नहीं है. तो मैंने उस फाइल को वहीं रोका और राजकुमार बड़ोले साहब को सफलता मिली. मैंने वहाँ जाकर के देखा भी है. आज हम जिस निमित्त ये कार्यक्रम कर रहे हैं, वास्तव में इसकी महती आवश्यकता थी. डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर साहब ने 1920 में मूक नायक समाचार पत्र का प्रकाशन किया. उस समय की परिस्थितियां कैसी रही होगी आप और हम सब इस बात को महसूस कर सकते हैं. उन्होंने संकल्प लिया था सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और धार्मिक आदि जितनी भी विषमताएं हैं, उन सब विषमताओं को दूर करना, और जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी दूर करना. तो एक अच्छा उपाय ये भी हो सकता है पत्रकारिता का क्षेत्र. समाचार पत्र देश और दुनिया में जाते हैं, लोग उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं,
और उसके बाद सही दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा लेते हैं। आज की पत्रकारिता के बारे में मैं कोई व्याख्या और विश्लेषण करना नहीं चाहता हूँ, यहाँ बहुत सारे पत्रकार मित्र बैठे हैं। अम्बेडकर जी सर्वगुण संपन्न थे, सर्वव्यापी थे, सर्वस्पर्शी थे, सर्वहितेशी थे और उनका सारा जीवन सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए ही उन्होंने जिया है। और पत्रकारिता के माध्यम से भी उन्होंने हमेशा सकारात्मक भूमिका ही निभाई। आज भी सहकारिता जो हमारी चलती है, एक साथ मिलकर के सब काम करें, ऐसी प्रेरणादायी लेखनी और लेख प्रकाशित हों, इस बात को ध्यान में रख करके उन्होंने सकारात्मक भूमिका निभाते हुए देश में वातावरण बनाने का प्रयास किया। मैं भाग्यशाली हूँ, जिस प्रकार से राजकुमार जी बड़ोले साहब भाग्यशाली हैं, मैं भी भाग्यशाली मानता हूँ। आज भी देश में बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्या क्या बोल करके आलोचना करते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि ये अंबेडकर विरोधी है, भारत के संविधान को स्वीकार नहीं करती है, बदलने वाले हैं। पर मैं सन 60-62 से जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। मेरा अनुभव यह आया है कि जो धारणा बनी हुई है वो धारणा सत्य से कोसों दूर है और उसका उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में पटवाजी मुख्यमंत्री बने, मैं उनकी सरकार में राज्य मंत्री था, मेरे पास विभाग तो सिंचाई, नर्मदा घाटी, पंचायत, ग्रामीण विकास आदि महत्वपूर्ण विभाग थे। परंतु पटवाजी ने मुझे कहा, थावरचंद अम्बेडकर जी की जन्मभूमि पर राष्ट्रीय स्मारक बनाना है, वहाँ दिक्कत यह है कि वो जमीन एक तो सेना के सानिध्य में है, अधिकार क्षेत्र में है और वहाँ दो समितियाँ बनी हुई है, एक समिति के अध्यक्ष शील भंते साहब थे और एक समिति के अध्यक्ष अर्जुन धारू जी थे। तुम जाओ और वहाँ जाकर के उनसे मिलो और कहो कि सरकार यहाँ स्मारक बनाना चाहती है और उनको राजी करो। मैं गया, बहुत प्रयास किया, दोनों समिति ने कहा बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, बनना चाहिए, पर पैसा हमको दे दो, हम बनाएंगे। प्रयास किया, दो ही समिति मानी नहीं। फिर मैंने जाकर पटवाजी को कहा, पटवाजी ने बाबूलाल जी गौर, उस समय नगरी प्रशासन मंत्री थे, उनको मेरे साथ कर दिया कि नहीं दोनों जाओ फिर प्रयास करो। कलेक्टर को बीच में डाला, सब प्रयास किया, सफलता तो नहीं मिली परंतु थोड़ा बहुत वो नरम पड़े। तो फिर एक रास्ता निकाला पटवाजी ने, तत्कालीन कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी और दोनों कमेटी के अध्यक्षों को उसमें सदस्य बना दिया और फिर और भी कुछ लोगों को लेकर के धनराशि स्वीकृत कर दी और 14 अप्रैल अम्बेडकर साहब की जयंती के दिन 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों से उसका भूमि पूजन करवाया और उनका हाँ जन्म शताब्दी थी, वो काम प्रारंभ हुआ। योग संयोग 91 में काम प्रारंभ हुआ, 92 में वो अयोध्या में भगवान राम मंदिर का ढांचा टूटा तो सरकार भंग हो गई। सरकार भंग होने के बाद 10-11 साल तक दूसरी पार्टी की सरकार रही और एक साल तक राष्ट्रपति शासन भी रहा, कोई काम नहीं हुआ।
योग से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बाबूलाल जी गौर, उमा भारती जी और वर्तमान में शिवराज सिंह जी चौहान तेज गति से काम पूरा करके उसको लोकार्पित करने का काम किया आज से 10 साल पहले, और लोकार्पण किया था लाल कृष्ण आडवाणी साहब के हाथों से। और पिछले 10 सालों से आप में से बहुत सारे लोग जाते होंगे वहाँ अंबेडकर की जन्मस्थली पर, वो जो भव्य स्मारक बना है वहाँ अंबेडकर महाकुंभ आयोजित होता है, रहने की और भोजन आदि की व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार करती है। अब ये पहले भी हो सकता था पर नहीं हुआ, मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मैं उसमें सहभागी रहा हूँ। योग सहयोग नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, उसके पहले अटल जी प्रधानमंत्री बने, तो ये जो 26 अलीपुर रोड है जहाँ अंबेडकर साहब का महापरिनिर्वाण स्थल है, वो निजी संपत्ति थी, अटल जी की सरकार ने उसको खरीदा, अर्थात भारत सरकार ने खरीदा और उसको उस समय राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। सत्यनारायण जी जेठिया मेरे सांसद हुआ करते थे, वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे, उनके कार्यकाल में लंबे समय से भव्य स्मारक बनाने की मांग चलती आ रही थी पर नहीं हुआ। मुझे खुशी है, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दायित्व मिला, हमने वो जो पहले से फाइल वाइल चली थी उसको आगे बढ़ाया और 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए, नरेंद्र मोदी जी के हाथों से उसका भूमि पूजन हुआ और विद इन टाइम के पहले वो बन करके तैयार है। नरेंद्र मोदी साहब ने ही भूमि पूजन किया, उन्होंने ही उसका लोकार्पण किया। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप अगर कल हैं तो उसको जरूर देख करके जाइए, आप जीवन भर बिना प्रशंसा के रह नहीं सकेंगे, प्रशंसा करेंगे, आप जरूर जा करके देखें। पंचतीर्थ घोषित किए, ये नरेंद्र मोदी जी की सोच, जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि और अंतिम संस्कार चैत्य भूमि, और अंबेडकर जी की सही सोच देश और दुनिया के सामने जाए, तो सही सोच क्या है उसका निष्कर्ष निकालना, इसकी महती आवश्यकता है। तो अनुसंधान के रूप में, अध्ययन के रूप में, ट्रेनिंग देने की दृष्टि से आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित हुआ, डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। बताया पहले ही, ये भी नरेंद्र मोदी जी के हाथों से इसका काम शुरू हुआ, भूमि पूजन हुआ और उन्हीं के हाथों से इसका लोकार्पण हुआ है, समय से 2-2.5 महीने पहले, और जितनी स्वीकृति हुई थी पैसे की उससे कम में बना है। आप इसको भी देख चुके होंगे और नहीं तो अभी भी मेरा निवेदन है कि इसको भी पूरी तरह से देखें, यहाँ बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लाइब्रेरी स्थापित करने का लक्ष्य है। हमने सब देशों से वहाँ का इतिहास, उस देश की उत्पत्ति, उस देश का विकास और उन देशों का संविधान आदि महत्वपूर्ण किताबों को मंगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। आप अगर साल भर बाद फिर कभी यहाँ आएंगे तो वो लाइब्रेरी भी आपको भव्य रूप में दिखेगी। एक हाल ये बड़ा है, 700 सीटर है, 2 इसी के अनुरूप 100 सीटर के 2 हाल और हैं। इसमें भव्य समारोह आयोजित होने लगे हैं, सामान्यतया खूब अच्छी खासी भीड़ रहती है। अब भीड़ रहती है तो कमाई तो होती होती, परंतु अंबेडकर जी का नाम प्रचारित होता है और वास्तव में आज अंबेडकर साहब का नाम
लोगों के मन मस्तिष्क में उतर जाए और इतना उतर जाए कि अम्बेडकर जी की जो सोच थी उस पर लोग चलने लग जाए। इस प्रकार का वातावरण बनाने की दृष्टि से बहुत सारी योजनाएं बनी हैं। संविधान दिवस मनाने का निर्णय भी नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने लिया है। 26 नवंबर 1949 में संविधान पूर्ण होकर के भारत सरकार को सौंपा गया था। 2015 से लगातार संसद में ये संविधान दिवस मनाया जा रहा है और सारे देश में मना रहे हैं, और केवल देश में ही नहीं तो विदेशों में भी मनाया जा रहा है। भारत सरकार के जहाँ जहाँ दूतावास है उन सब दूतावासों में अंबेडकर साहब की जयंती, अंबेडकर साहब की पुण्यतिथि और संविधान दिवस मनाने का काम हुआ है। ये ऐतिहासिक निर्णय है। निश्चित रूप से ये निर्णय समता और समरसता लाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। एक नहीं अनेक ऐसी योजनाएं भी हैं जो समता और समरसता लाने की दृष्टि से कारगर सिद्ध हो रही है। सबका साथ सबका विकास इस योजना को साकार रूप देने में कारगर सिद्ध हो रही है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री चुने गए उन्होंने अपने पहले भाषण में सेंट्रल हॉल में ये कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, सबका साथ सबका विकास की सोच को लेकर के आगे काम बढ़े करेगी, और वैसा ही वो करके दिखा रहे हैं। जो कह रहे हैं, जो कहा था वो किया है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी साहब से भी जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो कुछ मीडिया मित्रों ने पूछा था, आपकी सरकार मनुवाद पर चलेगी कि भारत के संविधान पर? अटल जी ने बिना सोचे समझे और बिना रुके ये कहा था, मेरी सरकार भीमवाद पर चलेगी, अर्थात भारत के संविधान के आधार पर चलेगी। और अटल जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने भारत के संविधान को भलीभांति समझने का प्रयास किया है, सफलता प्राप्त की है, और उसके अनुरूप ही देश में ये जितनी विषमताएं हैं, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, इन सब विषमताओं को दूर करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई है और वो साकार रूप ले रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंबेडकर साहब के सपनों को साकार करने की दिशा में हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे, अग्रसर होते रहेंगे। सफलता आपके हाथों है, आप आशीर्वाद देंगे तो सफलता भी मिलेगी। मूक नायक सामाजिक पत्रकारिता सम्मान जिन जिन महापुरुषों को, जिन महान पत्रकारों को मिला है, उसमें विजय कुडेकर साहब वहाँ जा कर के बैठे हैं, फिर मधुकर कामले साहब यहाँ बैठे हैं, बहन योगिता सालवी शायद इधर कहीं हैं, गोविंद सुवे जी भी हैं। मैं उन सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस प्रकार का जब सम्मान मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तो पुरस्कार हमारे ऊपर एक भार के रूप में होता है। आपको इस पुरस्कार को प्रेरणा के रूप में लेना है कि हमको और अच्छी पत्रकारिता करना है, और अच्छी पत्रकारिता करना है, ताकि आगे भी अंबेडकर जी की जो सोच थी सकारात्मक पत्रकारिता की, उसकी ओर आगे बढ़ सके और अपना भी जीवन सार्थक हो सके। आज के इस अवसर पर बहुत समय हो गया, कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, पर मैं इससे ज़्यादा कुछ कहूँ ये उचित नहीं होगा। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद माननीय थावरचंद गहलोत जी।
बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपके नेतृत्व में आपको मंत्रालय और भारत सरकार जैसे काम कर रही है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और अब मूक नायक सामाजिक पत्रकारिता पुरस्कार समारोह के अंत में मैं औपचारिक आभार व्यक्त करने के लिए श्री कैलाश कणसे जी महासंचालक बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे आपको आमंत्रित करता हूँ। महाराष्ट्र शासन के सामाजिक न्याय और विशेष सहाय विभाग के और तथा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समता प्रतिष्ठान की तरफ संयुक्त विद्यमान से मूक नायक पुरस्कार समारोह में यहाँ आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय नामदार सुरेश प्रभु साहब, माननीय नामदार डॉक्टर थावरचंद गहलोत साहब तथा केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय नामदार रामदास आठवले साहब, राज्य के सामाजिक न्याय विशेष सहाय मंत्री माननीय नामदार श्री राजकुमार बड़ोले साहब और केंद्रीय राज्य गृह मंत्री माननीय हंसराज आहिर साहब और केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य माननीय सुलेखाताई कुंभारे मैडम और महासंचालक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के श्री केजी सुरेश साहब तथा माननीय खासदार हरिचंद्र चौहान साहब, माननीय खासदार विकास महात्मे सर, माननीय आमदार भाई गिरकर सर, माननीय श्याम कपूर MD और माननीय प्रधान सचिव माननीय दिनेश वाघमारे साहब तथा मूक नायक पुरस्कार के प्रथम पुरस्कारार्थी प्रिंट मीडिया के मधुकर कांबळे जी तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विजय कुवळेकर साहब, प्रोत्साहन पुरस्कार गणेश टूपे जी, श्रीमती साळवे मैडम तथा उपस्थित यहाँ पर सभी बंते जी, उपस्थित सभी अंबेडकर अनुयायी तथा सम्माननीय दिल्ली के सभी नागरिक तथा प्रिंट और मीडिया के सभी पत्रकार मित्र तथा ये कार्यक्रम के संयोजक और ये कार्यक्रम के लिए विशेष उपस्थित अमरावती के शंकर बाबा जी और मैं ये कार्यक्रम के लिए आप सभी ने जो सहयोग हमको दिया है और आज इस कार्यक्रम उपस्थित रहकर आपने जो शान बढ़ाई है उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और ये कार्यक्रम और तथा इस विशेष उपस्थित श्री राम सुतार साहब यहाँ पर मंच पर उपस्थित है तभी सभी गणमान्य तथा जो इनके नाम छूट गए होंगे तो उनको भी मैं यहाँ पर जो उन्होंने हमको जो सलाह दी, मार्गदर्शन किया और जो सहयोग हमको प्राप्त हुआ उनके सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये कार्यक्रम अध्यक्ष की अनुमति से समाप्त करते अभी राष्ट्रगीत के लिए सभी खड़े हो जाएंगे। सगळ्यांना विनंती आहे कृपया आपण उभे राहू आणि सगळ्यांनी मिळून आपण राष्ट्रगीत म्हणणार आहोत। आपण सगळ्यांनी सुरू करावं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम, माता साहब अमर रहे, वंदे बाबा साहब अमर रहे, अध्यक्षांच्या महोदया
अध्यक्ष महोदयांच्या। आजचा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो। आपल्या सगळ्यांसाठी खाली जलपानाची व्यवस्था केली आहे, आपण सगळ्यांनी जल